बच्चे आप लोगों को यूपी टेट की जो शेष परीक्षा है उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के पेपर और उसके साथ पूरे विस्तृत चर्चा करते हुए एक सभी पेपरों का आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना है ताकि आप अपने एग्जाम के लिए एक सफल योद्धा बन सके व्यास अकेडमी से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का प्राइमरी का है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने अपनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। ठीक है, तद्भव के अंतर्गत आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द की बात की जाए तो शब्द के होते चार भेद, कौन कौन से। ठीक है, अगर आप गाइस यहाँ देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, विदेशज अर्थात आपको ये देखना है कि जो जो चीज तत्सम होती है अर्थात जो वर्ड संस्कृत की जैसी की तैसे संस्कृत से लिया, अर्थात जो वर्डों को संस्कृत से उठाया गया और उनको एज इट इज रख दिया गया उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अगर आप इनको गाइस तोड़ेंगे तो तत् मीन्स होता उसके, सम मीन्स होता समान, अर्थात जो संस्कृत के समान उन्हें बोलते हैं तत्सम। तद्भव जो गाइस था अर्थात संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उसे कहते हैं तद्भव। जैसे बोलते हैं संस्कृत में दिवस एक वर्ड है मान लीजिए। ठीक है, अब दिवस हर आदमी बोलने में थोड़ी क्लिष्टता होती है, जब किसी वर्ड को बोलने में क्लिष्टता होती तो आदमी कहता आज दिन। ठीक है, देशज का मतलब होता है जो आपके देश के अंतर्गत जो आप आम जनमानस की भाषा में बोलते हैं, जैसे आपने कोई वर्ड को बनाया कंटाप, बाराबंकी में कहते हैं कंटाप। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड अगर आप देखेंगे लोटा, ठीक है, तेंदुआ, डाब, खखरा, इस तरह के वर्ड जो होंगे देशज के अंतर्गत। विदेशज का मतलब होता है जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की के वर्ड लिए गए हैं वो सब विदेशज भाषा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जितने अभी आपको संयुक्ताक्षर वर्ड दिख जाए वो सब तद्भव है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे खेत जो है ये तद्भव वर्ड है। खेत का जो तत्सम बनेगा वो बनता है क्षेत्र। ठीक है, का जो परिवर्तन होता है ख में होता है तद्भव। एक पत्रिका भी आपके यहाँ से निकलती थी तो ये जान लीजिएगा पत्रिका ये लखनऊ से निकलती थी गाइस, लखनऊ से निकलती थी जिसका प्रकाशन अखिलेश करते थे। तो आपको एक क्वेश्चन में कम से कम देखिए कितने सारे आपको एक ही बार में क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप दूसरा भी क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द देशज है, अर्थात देश का मतलब होता है जो आम लोगों के प्रयोग में प्रयोग, देश का मतलब देश, जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक, अर्थात जो आप लोगों के देश में उत्पन्न हो उसे कहते हैं देशज, जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले अन्य भाषा में कह सकते हैं उसे कहते हैं देशज। कभी कभी एक वर्ड पूछ लेता है संकर शब्द, ये भी आप क्लियर कर लीजिए फिर। ठीक है, संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कहते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है तो उसे बोलते हैं रेलगाड़ी। तो इसी को वर्ड को जैसे आप कहते हैं छायादार। ठीक है, तो ये जो होता है अलग अलग छायादार, ये रख करिएगा। ठीक है, माफ करिएगा, तो छायादार इस तरह लिखेंगे। देखिए लाश जो है, लाश कैसा शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। औरत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, दरोगा भी अरबी भाषा का शब्द है, ये हो जाएगा दरोगा तुर्की भाषा का शब्द। ये लाश जो होगा तुर्की भाषा का शब्द है, मुगल भी तुर्की भाषा का शब्द होगा। ठीक है, बेगम भी तुर्की भाषा का शब्द है। और जो आप गाइस देखेंगे धड़ाम, ये शब्द जो आएगा ये देशज के अंतर्गत आएगा, आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, वर्ड आया कहाँ से है। इसी तरह आपको देखना है इसका अर्थ बताना है, छछूदर के सर पर चमेली का तेल, अर्थात आपको सबसे पहले ये जानना है मुहावरा क्या होता है। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि पूछ सकता है मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंतर्गत बात करेंगे जैसे पहला ऑप्शन है मिथ्या आडंबर अर्थात व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है, व्यर्थ का दिखावा करना एक, जैसे मुहावरा आप लोगों ने पढ़ा होगा शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मिथ्या आडंबन। ठीक है, अर्थात व्यर्थ का दिखावा करना, अधिक पाने का लालच करना। ठीक है, तो 99 के चक्कर में पड़ना, अधिक पाने का मतलब होता है धन ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री वस्तु का उपयोग। ठीक है, मतलब छछूदर के सिर पर चमेली का तेल का मतलब होता है किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री वस्तु का पा जाना। ठीक है, मतलब किसी अच्छी वस्तु का पा जाना उसी को बोलते हैं, और ये लोकोक्ति है। ठीक, मुहावरा, अगर आपको मुहावरा पहचानना है गाइस तो आप सबसे बड़ा पहले देखेंगे जितने भी मुहावरे आते हैं उसके अंत में हमेशा ना आता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी वर्ड देख लेंगे उसके अंत में ना आएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप चार देखेंगे, ऋग्वेद का संधि विच्छेद कैसे तोड़ा गया। अगर आप संधि के अंतर्गत बात करेंगे
तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, संधि में वर्ण होते हैं, ठीक है याद रखिएगा, संधि में दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल या विकार से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। अब संधि के गाइज होते हैं तीन भेद, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आप लोग एक चीज को याद रखिएगा, स्वर के अंतर्गत संधि आती पांच, ठीक है, गुण वृद्धि आयात यण और गुण आ गई, वृद्धि आ गई, ठीक है, यण आ गई, दीर्घ आ गई और आयात आ जाएगी, ठीक है, ये पांच संधियां आती हैं इसके अंतर्गत, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। व्यंजन के अंतर्गत एक वर्ण और स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल होता है, ये भी आप लोग जान जाइए याद रखिएगा, ठीक है। दीर्घ में क्या होता है, जहां पर छोटा छोटा मिलकर बड़ा का निर्माण करते थे, जहां पर एक मात्रा लगी वहां पर कहते हैं गुण संधि होता है, जहां पर डबल मात्रा होती है वहां वृद्ध संधि होती है, यार अलावा से पहले कोई आधा वर्ड आ जाए वहां पर यण संधि होती है, जहां पर आयात यहाँ पर अय या औ का उच्चारण हो उसे बोलते हैं आयात स्वर के अंतर्गत, ठीक है। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमेशा दो व्यंजनों का परस्पर मेल होगा, आप इन वर्डों को देखेंगे तो ऋग्वेद को पहले का तीसरे में ऋक, आप इसको तोड़ेंगे ऋक प्लस वेद, ठीक है, तो पहले का जो परिवर्तन होगा तीसरे में हो जाएगा, तो यहाँ से गाइड जो आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो चार का जो गाइज होगा एक, आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन पर इनफ टाइम दिया जा रहा है, एक एक विकल्प को एग्जैक्ट क्लियर करा। यहाँ पर आपको संधि मैंने पूरी बता दी, मुहावरा बता दिया, किस भाषा का शब्द मुहावरा को आप कैसे पहचानेंगे, तो इतना डिटेल आपको डेप्थ में जाकर चीजों को समझना है, तब आपको आत्मसात करनी है कुछ चीजों को, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आप बीती शब्द में समास है, आप बीती शब्द में समास, समास के सबसे पहले आप जानेंगे समास क्या होता है, ठीक है। दो समीपवर्ती शब्दों के विग्रह से जो उत्पन्न होता है, जो मेल होता है उसे कहते हैं समास। समास में दो वर्णों का विग्रह किया जाता है, समास में जो वर्ण का होता है वो विग्रह किया जाता है, समास का विग्रह होता है, समास का जो गाइज होता है वो विग्रह किया जाता है, ठीक है, समास का जो गाइज होता है वो विग्रह किया जाता है, और संधि में क्या किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, ठीक है। अगर आप समास के अंतर्गत बात करेंगे गाइज, तो समास में ये चीजें होती हैं कि समास के अंतर्गत आप देखेंगे मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। अगर आप मुख्य रूप से समास की बात करेंगे, मुख्य रूप से समास के अंतर्गत, तो इसके होते हैं चार भेद, ठीक है, चार भेद होते हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव नंबर दो, तत्पुरुष, उसके बाद आप देखेंगे द्वंद, और द्वंद आप लोग ध्यान पूर्वक लिखिएगा, द्वंद इसी तरह लिखा, और जो चौथा होगा वो होगा बहुव्रीहि। अब आप देखेंगे समास के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं गाइज वो कितने होते हैं, अब यहां से तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण। अब आप इसके अंतर्गत गाइस देखेंगे इसके होते हैं कौन कौन से भेद, दिगु और कर्मधारय, ठीक है, आपको एक एक चीजें रिवीजन के तौर पर फास्टली कराई जा रही हैं, ठीक है, तो आप बीती में आप पर बीती होता तो तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। घोंसले में चिड़िया है में कारक कौन सा होगा, ठीक है, अगर आप कारक के अंतर्गत गाइस यहाँ पर बात करेंगे तो एक मिनट देखिएगा, कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो कारक का दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं परसर्ग, ठीक है। अगर पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के आठ भेद होते हैं। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कामता प्रसाद के अनुसार कारक के कितने भेद होते हैं, तो कामता प्रसाद ने बताया छह भेद। तो आपको अधिकरण में पर जहां पर अधीनता का बोध हो तो वहां पर होता अधिकरण कारक, ठीक है, तो अधिकरण के अंतर्गत आएगा में और पर, ठीक, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सात देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको सात पढ़ने के बाद तेज गति से कि आपको जब भी पैराग्राफ पढ़ना तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको वहां से पैराग्राफ के बारे में सिर्फ प्रश्न पढ़ने के बाद वो चीज ढूंढना है जहां पैराग्राफ में वो वर्ड आपको मिले, ठीक है। जैसे कहा गया उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है, बस आपको अब देखना है सारे वाद सीमित कहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब जाएंगे तो पहली लाइन पढ़ेंगे, गांधी जी ने राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है इस वाद की विशेषता। अब क्वेश्चन को आपको इर्द गिर्द यहीं पर ढूंढना है, ठीक है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके, बस आपका अब आंसर मिल चुका है, वो कैसा हो चुका, प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुका, बस आपका आंसर यहाँ तक मिल गया। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए, इसी से अंतर्गत है, अब आपको पढ़ना उपयुक्त गांधीवाद का आधार किसे बताया गया, ठीक। अब आपको ये पढ़ना गांधीवाद लिखा कहाँ गया है, बस उसके आगे वाली लाइन आपको पढ़ना, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, बस आप यहाँ से देखेंगे राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय, बस
तो जो यहाँ पर गाइस आपको पूरा पैराग्राफ कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द जाकर देखना होता। क्वेश्चन आपको नंबर 9 देखना है, कनुप्रिया किसकी रचना है? ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? आपको इसके अंतर्गत आप देखेंगे कनु का मतलब होता है, जो कनुप्रिया के अंतर्गत अगर आप तोड़ेंगे, कनु का अर्थ होता है कृष्ण। ठीक है, कनु का जो अर्थ होता है कृष्ण और प्रिया का जो अर्थ होता है वो कहते हैं राधा को। तो कनुप्रिया जो लिखी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अब आपको बताना है कि प्लुत स्वर कितने होते हैं। अगर आप स्वर की बात करेंगे, स्वर क्या होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ये सब देखिए। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक चीज और जानिए, स्वर को व्यंजन की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है, अगर कभी पूछ लिया शहीद स्वर किसे कहते हैं, शहीद स्वर आ को बोला जाता है, इसी को अदृश्य स्वर भी बोला जाता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, फिर दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, और उसके बाद ह्रस्व स्वर का मतलब होता है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, और इसे कहते हैं दीर्घ के अंतर्गत कहा जाएगा द्वि मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर, सबसे ज्यादा वैदिक संस्कृत में प्रयोग मिलता है। तो आप देखेंगे जैसे ओम मिला लिखा है, टर वर्ड आपको र को जहां तक बहुत लंबे समय तक आलाप कर सकते हैं, तो आप जैसे रे किसी को बोलते हैं तो बहुत लंबे समय तक आलाप कर सकते हैं वर्डों को, तो इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रकाशन की दृष्टि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ठीक है, आपको एक देखना है मधुशाला। देखिए हरिवंश राय बच्चन के अंतर्गत बात करेंगे, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया था, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान जो दिया जाता था, सबसे पहला सरस्वती सम्मान अगर दिया गया था तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इनको हालाबादी कब भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो जन्म स्थली थी वो इलाहाबाद थी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा था 1935 में मधुशाला। ठीक है, मधुशाला 1935 के अंतर्गत लिखी गई थी, फिर 36 में मधु बाला लिखी गई थी, 37 में कलश लिखी गई थी और 38 में निशा निमंत्रण लिखे। अब आपको ये अगर नहीं था तो 7 से 7 को याद रख लिए। ठीक है, 1937 के अंतर्गत जो रचना की गई थी वो मधु कलश लिखी गई थी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सुमेलित करना है कि देखिए अगर आपको सुमेलित करना नहीं पता है तो सबसे पहले आप उन वर्णों को एग्जैक्ट मिलाने का प्रयास किया करिए जो सबसे पहले दिया गया। अगर आपको सबसे पहले पता होगा कि काशी नागरी पचाड़ी सभा की जो स्थापना की गई है वो 1893 में की गई थी, श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई थी, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब आप देखेंगे पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था 1910 के अंतर्गत हुआ था, तो यहाँ से जो आप देखेंगे सी वाला हो जाएगा। ठीक, इसको सी कर लीजिएगा। ठीक, सी वाला हो जाएगा, जो बचा क्या हो जाएगा, बी। तो अब आपको देखना है कहां पर इस तरह के ऑप्शन मिले हैं, तो सी ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आपको देखना तुलसी दास के रचनाकार कौन है। देखिए तुलसी दास के रचनाकार, अगर एक ऑप्शन इसमें और दे देता तुलसी दास तो अधिकतर लोग इसको करते तुलसी दास। ठीक है, लेकिन तुलसी दास की जो रचना लिखी गई थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी रचना, और यह रचना गायित की गई थी 1938 के अंतर्गत। ठीक, कभी भी आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, तो 1938 के अंतर्गत इनको लिखा गया था, ये रचना की गई थी। और हिंदी का इन्हें वर्ल्ड हिटमैन भी कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, राम विलास शर्मा को अगर महादेवी वर्मा को कहेंगे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आप लोग इनको याद रखिएगा। और इनके ज्ञानपीठ जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, 1982 में इनको दिया गया था यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। केशव दास की जो रचना है ये विज्ञान गीता है, इनका जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, कभी पूछा जा सकता है केशव दास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है, विज्ञान गीता। ठीक है, रामविलास शर्मा। ठीक, अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है, तो अन्या से अनन्या जो गाइज रचना है वो प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, ये किसका वाक्य है, प्रभु जी हम चंदन तुम पानी ये किसका वाक्य है, आपको ये बताना है ये किसके अंतर्गत। देखिए अब आप इसके अंतर्गत देखेंगे प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, ये जो पंक्तियां ली गई थी गाइज, देखिए दादू दयाल कबीर, कबीर की भाषा जो थी इसके अंतर्गत, अगर कबीर की भाषा की बात करेंगे तो इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी।
रैदास, रैदास जो थे, रैदास के अंतर्गत अगर बात की जाएगी, रैदास जो गाइस थे, रैदास के अंतर्गत रैदास ने क्या किया था, मीरा के गुरु रैदास को कहा जाता है, कवि रैदास जो थे वो मीरा के गुरु माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नानक, नानक के अंतर्गत आप देखेंगे तो नानक जो आप देखेंगे पंजाबी ग्रंथ के अंतर्गत नानक ने क्या किया था, उसमें इन्होंने कुछ पंजाबी ग्रंथ में दिया था। दादू दयाल जो थे, दादू दयाल ने भी अवधी भाषा के अंतर्गत कुछ चीजों को बताया था, ठीक है। तो आपको एक एक चीजों को अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, ये जो पंक्तियां ली गई थी ये किसने लिखा था, रैदास, ठीक है। रैदास को मीराबाई का गुरु भी माना जाता है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिए गए इसमें से पढ़ना है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। वरदंत की पंगति कुंदत, अधरा अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जगह जब मोतिन मालन अमोलन की, घुघरू घट लरे लटक्या मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाओ लाल इन बोलन की। तो आपको इनके अंतर्गत पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा इन पंक्तियों में भगवान राम की वात्सल्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। राम जी की वात्सल्यता के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, और वात्सल्यता जो होती है गाइज, ये जो रस बताया गया है, पिता पुत्र से मोह होता है, अनुराग रूपी प्रेम होता है पिता पुत्र का, तो वात्सल्य रस इसमें होगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक चीजों को याद रखना है, आत्मसात करना। इसके बाद बताना है उपयुक्त पंक्तियों के किस कवि की है, ये किसने लिखा है, ठीक है। आपको ये बताना है ये किसने लिखा है, ठीक, ये आप लोगों को पता है। सबसे ज्यादा उनके बारे में अगर किसी ने लिखा तो तुलसीदास ने लिखा, ठीक है। अगर कहा जाता है कि अगर राम को जानना है तो तुलसी को पढ़ो, ठीक है, अगर राम को जानना है तो तुलसी को पढ़ो, अगर तुलसी को जानना है तो बिनय पत्रिका को पढ़ो, ठीक है। अगर राम को जानना है तो तुलसी को पढ़ो, ठीक है। तुलसीदास ने अगर राम को जानना है तो रामचरित रामायण पढ़ो, अगर तुलसी को जानना है तो बिनय पत्रिका पढ़ो, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो आप जो है सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो इसको तुलसीदास ने रचना की थी। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, ठीक है। च का उच्चारण आप देखेंगे, इसके उच्चारण के स्थान पे ये चीज आ देखिए, KTM 2, ठीक है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। और आप वर्ग याद रखेंगे, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, तो आप इसको बनाएंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तावर और पावर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप गाइस देखेंगे ये जो मिला है ये पूरी तरह से सही मिला, ये जो मिला जाता है इसे बोलते हैं इचु यशानाम तालु, ये भी ताल से बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बोला जाता है ये तालब से नहीं बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, रिटूट सा नाम मूर्धा, तो ये मूर्धा से बोला जाता है। तो आप लोगों को ये देखिए एक साथ कितने कितने, ठीक है, चीजों को क्लियर कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परस्पर भिन्न होता है बिल्कुल, क्योंकि ये जो होता है ये क्या संयुक्ताक्षर करा होता है, तो इसका जो वर्ड जो होता है थोड़ा सा भिन्न होता है। छ को संयुक्ताक्षर कहते हैं, बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठ वर्ण होते, बिल्कुल सही। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता, कैसे हो सकता। अब अल्प प्राण जो होता है 1, 3, 5 होता है, और महाप्राण जो होता है गाइज, महाप्राण जो होता है वो क्या होता है, 2 और 4। अगर अल्प प्राण के अंतर्गत आप बात करेंगे तो किसी वर्ग का 1, 3 और 5 और ख उसके बाद घ आ जाएगा, आप इन दोनों का उच्चारण एक साथ कैसे कर सकते, का के बाद ख के बाद घ, घ के बाद घ, घ के बाद अंगा, तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ठीक। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत कि इसमें कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, लड़के के विषय में कौन सा, रलगा करता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लड़के जो होगा मेरा लड़का होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ बहुवचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, बहुवचन। अगर वाच की बात किया जाए, वाच के होते 3 भेद, वाच, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच, ठीक। भाववाच में हमेशा जो क्रियाएं गायज होती है वो कर्मक होती हैं, तो यहाँ पर जो होगा सकर्मक, खाना पीना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, ठीक है, उपमा। देखिए आपको अगर
चीजें नहीं पता है तो भी आप ऑप्शन को काट सकते हैं। उपमा के अंतर्गत जब भी आप गाइस देखेंगे जहां पर आपको सास ई से सरिस्सम की बात की जाएगी वहां पर होगा उपमा अलंकार। ऐसी कोई बात की गई पूरे वाक्य के अंदर नहीं की गई उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो ये अगर वर्ड आया होगा तो उत्प्रेक्षा होगा नहीं होगा। जहां पर योजक चिन्हों से जोड़ा गया होगा होगा रूपक। ऐसी बात की गई नहीं की गई तो बचा गया श्लेष, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना अगला वर्ड निम्नलिखित शब्द में से, ये देखिए थोड़ा सा जो ये जो यहाँ पर वर्तनी लिखी गई ये वाला माना जाएगा, जहां पर ये वाला शब्द मिलेगा आप ये वाला मान लीजिएगा। तो ये जो शब्द शुद्ध है, ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। चांद, अंक, अंक गलत लिखा है, चांद भी गलत लिखा है, ठीक, आंख भी गलत लिखी, अंगना जो होती है बोलते हैं वीर प्लस अंगना, वीर का मतलब होता है जो वीरांगना बोलते हैं स्त्री को, तो अंगना का मतलब होता है स्त्री, और एक अंगना का अंगना का मतलब आप लोग जानते हैं घर वाला अंगना, ठीक है। तो ये जो लिखा है गाइस वो 24 नंबर 23 का डी सही है पूरी तरह से। उसके बाद बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक, आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो जो शुद्ध है वो आपको दिख रहा है सन्निधि जो लिखा जाता है, सन्निधि का सहारा कौन, तो सन्निधि ये भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर दो सही है तो इसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताना है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक जो है शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, ठीक, शिक्षण की सफलता जो निर्भर करेगी। आप यहाँ देखिएगा जहां भी आपको सा ये वाला दिखेगा आप ये मान लीजिएगा, ठीक है, शिक्षण की जो सफलता निर्धारित की जाएगी समस्याओं के कारण की सही पहचान, यही क्या कहलाती है, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रयोजन का समानार्थी नहीं, प्रयोजन का मतलब होता है किसी के लिए आप क्या करते हैं लक्ष्य बनाते हैं, ये बार इस बार हमारा शिक्षक बनना प्रयोजन है, हेतु है, हेतु का मतलब होता है कारण उद्देश्य है हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन नियोजन नहीं होता, ठीक है, नियोजन ये नहीं होगा, ठीक है। रिज का विलोम बताना है, अगर आपको विलोम के अंतर्गत बात की जाएगा विलोम के भेद जो होते हैं, विलोम के होते हैं चार भेद, ठीक है, याद रखिएगा कहीं की किसी किताब में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो विलोम के जो गाइस भेद बताए गए वो चार होते हैं, रिज का जो विलोम होता है वक्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है निम्नलिखित में से विशेषण का निर्दोष अशुद्ध है, अर्थात आपको जो विशेषण दिए गए हैं वो कौन सा अशुद्ध है। सबसे पहले आपको जानना विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं चार, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा के अंतर्गत आएगा क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या दिखा रहा है, क्रम को दिखा रहा है। 26 क्या दिखा रहा है, पूर्ण बोधक, पूर्णांक बोधक, जहां आपको अंक की पूरी पूरी जानकारी दी जाए उसे बोलते हैं पूर्णांक बोधक। जैसे अभी तक ढाई, सवा तीन, अगर इस तरह के वर्ड आपको गाइस दिख जाएंगे तो ये हो गया अपूर्णांक, ठीक है। जैसे आपको आया था ढाई, ये भी सही है, ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, क्यों, नौकर की जो विशेषता बता रहा वह है सर्वनाम विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, तो यही पर गाइस क्या है, ये गलत है, ठीक है। आप भला तो जग भला में सर्वनाम का किसका भेद प्रयोग किया गया, देखिए अगर सर्वनाम की गाइस बात की जाएगी, सर्वनाम के भेद, ठीक है, सर्वनाम के भेद, अगर कभी आपसे पूछ लिया गया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो ऑप्शन देंगे छह। अगर पूछा जाएगा कुल सर्वनाम कितने होते हैं, आप लोग एक एक चीजों को मिला लीजिएगा, कुल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, होते हैं 11, ठीक है, ये 11 के अंतर्गत। तो आप जो आता है निजवाचक के अंतर्गत आता है, तो जहां पर आपको निज दिख रहा वो होगा पूरी तरह से सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड पुल्लिंग है, आपको मैं दो तीन चीजें बता दे रहा हूं, आप पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग गलत नहीं करेंगे। जितने भी वर्ड के अंत में ता आए, त्राए, ठीक है, जितने भी वर्णों के अंत में त्राए वो प्रायः 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 पुल्लिंग होती है, 99.99, ठीक है, एकाद अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता है, ठीक है। और आप ये जान लीजिएगा जैसे कलत्र, ठीक है, अगर आप देखेंगे जितनी भी इकारांत संज्ञाएं आएंगी जिसके अंत में बड़ी ही आएगा, लेकिन जैसे मोती, दही, पानी, ये सब अपवाद है, ठीक है, ये पुल्लिंग है। जैसे दही खट्टा होता, पानी अच्छा होता, मोती बड़ी होता, बड़ा होता, बड़ी नहीं होती, संतान, चीन, तो ये जो गाइज होगा इसमें संतान जो होगा, और ये देखिए संतान जो ये ऑप्शन लिखा है ये अगर आप प्रयोग करेंगे तो दोनों के अंतर्गत आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वर्ड हो सकते हैं, इसे उभयलिंग के अंतर्गत रखना चाहिए था, लेकिन बाकी सब स्त्रीलिंग वर्ड है, तो आपको यहाँ से जो पुल्लिंग रखेंगे उभयलिंग वर्ड को चूज कर, जैसे संतान, अच्छी संतान, लेकिन अगर यही वाक्य बना जाए कि आज की संतान अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी है तो यहाँ पर पुल्लिंग बन गया। तो इन चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो गाइस आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई धूमधाम से चल रही होगी। ब्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आप लोगों का जो गाइज सबसे पहला काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने और अपनों के बीच। ठीक है, तो आज जो बात हम करने वाले हैं गाइज, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में श्रृंखला लेकर चल रहा था प्राइमरी यूपी टेट की, आज 18 का मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन देखने हैं तो सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसके अंतर्गत आपको देखना है। ठीक है, तो आप बात करेंगे सबसे पहले, ठीक, कि जो आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है पहला हिंदी का, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय जो चीज होते हैं, देखिए एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक, अगर उपसर्ग के अंतर्गत बात करेंगे आप, उप का मतलब होता है समीप, उप का जो गाइज अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है रचना। ठीक है, सर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रचना, अर्थात जो समीप में दो समीपवर्ती वर्णों से रचना की जाती है उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक, अगर आप प्राग इतिहास, सबसे पहले अगर आप संधि की विशेषता जानते हैं तो प्राक प्लस ऐतिहासिक में टूटकर प्राग ऐतिहासिक बनेगा, तो जो उपसर्ग होगा हिंदी में, उपसर्ग जो होते हैं गाइज हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं 13। ठीक है, और अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं, ये अभी तक आपने किसी बुक में पढ़ा नहीं होगा, 8। ठीक है, अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं, इन दोनों चीजों को याद रखने का आप लोग प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई। ठीक, तुलसीदास किसकी कविता है, कविता के अंतर्गत बात करेंगे तो तुलसीदास किसकी कविता है। ठीक है, तो कविता के अंदर सबसे पहले रचना दी है हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम सरस्वती सम्मान जो मिला था, प्रथम सरस्वती सम्मान इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध फैंटेसी कविता के जनक माने गए हैं। अज्ञे प्रगतिवाद का जन्म जिसे जनककार कहा जाता, अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार, इनकी जो रचना है ज्ञानपीठ मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम था। अगर हम बात करते हैं तुलसीदास किसकी रचना थी, तो जो ये रचना 1938 में गाइस लिखी गई थी, ये रचना किसकी थी, हरियाउद की थी, सॉरी माफ करिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था, इनकी जो जन्म स्थली थी, वेस्ट बंगाल में जन्मे थे, महिषादल पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो इनकी कर्म स्थली के अंतर्गत इनकी बात करेंगे तो इलाहाबाद थी। ठीक है, इलाहाबाद थी। इन्होंने कई रचनाओं को और लिखा है, सरोज स्मृति, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। तो ये एक अच्छे कवि थे, तो जो इनका जो हो जाएगा तुलसीदास कृति 1938 के अंतर्गत लिखी गई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था। ठीक, बहिष्कार के अंतर्गत संधि विच्छेद बताना है, मैंने आपको बताया था संधि विच्छेद अगर आपको कहीं पर भी आधा श दिख जाए तो अधिकतर जो वहां पर होगा व्यंजन विसर्ग संधि होगा। अगर संधि की बात की जाए, देखिए संधि और समास में जो अंतर आपको मैं पुनः बता देता हूँ, समास और संधि के बीच अंतर। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा एक बार, संधि और समास में क्या अंतर होता है। समास में सदा शब्दों का मेल होता है, ठीक है, शब्दों का मेल होता है किंतु संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक, संधि 3 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत बहि प्लस कार के अंतर्गत बहिष्कार आएगा। ठीक है, वैदेहिक वनवास, वैदेह का मतलब होता है सीता जी, वैदेहिक वनवास किसने लिखी थी। ठीक है, वैदेहिक वनवास के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो ये रचना किसकी थी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जिन्हें मिनी राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, मिनी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य का, और उसके बाद आप देखेंगे मैथिली षडगुप्त, एक भारतीय आत्मा भी ने कहा गया मैथिली षडगुप्त को, अयोध्या सिंह हरियाउद की ये एक रचना थी। ठीक है, वैदेहिक हिंसा हरियाउद की थी, ये 1941 के अंतर्गत लिखी गई थी रचना, तो आपको ये याद रखिएगा 1941 के अंतर्गत वैदेहिक वनवास को लिखा गया था, आपको ये चीजों को थोड़ी सी जानने की जरूरत है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड पुल्लिंग है। ठीक है, पखवाज, पहिया, लिखावट, मझधार। ठीक, नाय मझधार में फंसी है, तो ये मझधार वर्ड जो आप देखेंगे ये स्त्रीलिंग को दिखाएगा। ठीक है, ठीक,
अगर आप देखेंगे लिखावट, अच्छी लिखावट, खराब लिखावट, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग वर्ड है, लेकिन पहिया, बड़ा पहिया, छोटा पहिया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत, पहिया के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस, तो ये जो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पहिया, पहिया पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको इसका आंसर करना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आपको गद्यांश पढ़ना है तो सबसे पहले आप इसमें वो चीज देखिए कि संप्रेषण की कला नहीं है, संप्रेषण की कला क्या नहीं है, आपको देखिए संप्रेषण कहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ संप्रेषण की कला है जो निरंतर अभ्यास से लिखा है, लेकिन स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली में आप अपने विचार को प्रभावशालियों से व्यक्त करने की संप्रेषण कला कहलाती है, लेकिन आत्मविश्वास दिया है, विचारों की भावना दी, प्रभावशाली दिया, लेकिन अलंकरण नहीं दिया है, तो क्या नहीं, आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, नहीं दिया है, ठीक है, नहीं के अंतर्गत बात की जाए तो इसका प्रयोग, अलंकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संप्रेषण कला का विकास कैसे होता है, तो आपको देखना है संप्रेषण कला का विकास कैसे होगा, ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसी से, ठीक है, इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने संप्रेषण कला का विकास किया था। अगर ये इसका मतलब आपको अभी तक यहाँ से आंसर नहीं मिला, आगे पढ़िए, उसने ने धर्म विश्व अमेरिकी में सबको निवासियों को चकित कर दिया था उस, ठीक, तो इसका मतलब है निरंतर अभ्यास से, आपको देखेंगे निरंतर अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अभ्यास देखेंगे, ठीक, अनायास में नए तत्पुरुष समास होगा, ठीक। उसके बाद आपको देखना है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं, आप देखेंगे गाइस संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं चार, ठीक है, ये टूटेगा क प्लस स से, ठीक है, विसर्ग पहले वाले पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा त प्लस र से, ये टूटेगा ज प्लस इया से, ठीक है, ये टूटेगा स प्लस र से। एक चीज और यहीं पर आप जानने का प्रयास करिएगा, ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स आपको दे देगा, ये टूट देगा क प्लस स और इसके बाद भी हलंत करके आगे दे सकता है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा वाला बी वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। मृत्युंजय में समास बताना है, ठीक है, देखिए समास के जो बात करते हैं, समास का जो शाब्दिक, समास का हम क्या करते हैं, विग्रह किया जाता है, संधि का विच्छेद करते हैं समास का जो होता है, और समास का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं व्यास, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, समास का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं व्यास, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे, जहां आपको सबसे पहले अगर समास एग्जैक्ट क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा रुकिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, ठीक। जैसे लिखा है द्वंद, द्वंद में होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ठीक है, प्रधान, जैसे माता पिता, माता पिता, द्वंद हमेशा योजक चिन्हों से जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे आप देखेंगे शीतोष्ण, ये भी द्वंद समास का उदाहरण है, देवासुर, देवासुर के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें द्वंद योजक चिन्ह नहीं लिखा, फिर भी द्वंद समास के अंतर्गत बात की जाएगी। कर्म धारा है जहां पर विशेषण विशेष बताया जाए, विशेषण विशेषण विशेष, ठीक है, आपको जहां उपमेय उपमान बताया जाए ऐसी कोई बात नहीं, जहां पर आपको गिनती की बात की जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब इस तरह की कोई बात की नहीं तो मृत्युंजय, अर्थात जब तीसरे अर्थ में किसी के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय होता है शंकर जी को, बहुव्रीहि समास के अलंक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अलंकार किस शब्द से बना हुआ है, अगर अलंकार को आप तोड़ेंगे तो अलम प्लस कार, ठीक, अलम का मतलब होता है शोभा, यहाँ कारक अब बन जाएगा यंत्र, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ गाय होता है उसे कहते हैं शोभा कारक यंत्र, ठीक है, तो अलम प्लस कार के अंतर्गत टूटकर बनेगा अलंकार, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे अलंकार का जो शाब्दिक होगा अलम, अलम का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले कारक, इसी को बोलते हैं अलंकार, ठीक। आगे देखिए, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, देखिए पुस्तक की सबसे पहले विशेषता बता रहा है, ठीक है, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो होता है सर्वनामिक विशेषण, विशेष से कुछ भी नहीं होता गाइस, विशेष का मतलब होता है संज्ञा, ठीक, विशेष का क्या अर्थ होता है शाब्दिक संज्ञा, और आगे देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अब आपको यहाँ से पुस्तक कैसा है, एक वचन, अच्छी पुस्तक, खराब पुस्तक, इसके अंतर देखेंगे, जो पुस्तक वर्ड है गाइस वो कैसा है,
पुस्तक वर्ड जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है, तो इसकी अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष हो जाएगा और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण, ठीक है, विशेषण के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कि इनमें से कौन सा विशेषण है, ठीक, तो आपको बताना है विशेषण कौन सा है, विशेषण का विलोम बताना, माफ करिएगा, यहाँ पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, विशेषण का विलोम क्या होगा, आपको विलोम पूछा है, देखिए विलोम को मैंने व्याख्या, व्याख्या का संक्षिप्त हो जाएगा विवेचना, ठीक, ये होगा नहीं, विशेषण का जो विलोम होगा होगा संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण के अंतर्गत विशेषण का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ठीक है। आपको अब देखना है जिन उच्चारण के ऊपर दांत पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन उच्चारण के ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था उच्चारण की दृश्य स्वर के व्यंजन की बात करेंगे तो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ कंठ तालब कंठ ओष्ठ, ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए, ठीक है, तो आप हमने आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी केटीएम दो, तो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ ये चीज आप जानते हैं, ठीक है, तो कंठ के अंतर्गत जो बोला जाएगा का वर्ग, ठीक है, ये होता पंचम अक्षर, पंचमाक्षर जिसे कहते हैं, ठीक है, इसको पंचमाक्षर, मूर्धा का मतलब होता है ऋतु रसायन अर्थात टा वर्ग के अंतर्गत मूर्धा, लेकिन दंत जो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा दांत से जो बोले जाते हैं, ऊष्म व्यंजन बताने, आपको ऊष्म का मतलब होता है अर्थात जिन वर्डों को आप बोलते हैं आपके मुंह से निकलने के बाद गर्म हवा निकलती है, अर्थात आप मुट्ठी बंद करके मुंह से जब हवा निकालेंगे तो वहां से जो वर्ड निकलेगा उसे बोलेंगे शा 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 हा, ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्म वर्ण। अगर आप जान लीजिए वर्तनी में कभी भी आएंगे तीनों सा एक साथ ही आते हैं, जैसे आप लीजिए शीर्षासन, ठीक, आगे देखिए अत्यधिक का विलोम क्या होता है, ठीक है, अत्यधिक का मतलब होता है कोई चीज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जब उपलब्ध हो जाती है उसे बोलते हैं अत्यधिक, अत्यधिक का जो विलोम होता है उसे बोलते हैं अत्यल्प, मतलब बहुत ही कम, तो उसे बोला जाता है अत्यल्प, ठीक है। रित का विलोम बता रहा है तो रित का मतलब होता है भरा हुआ, अनृत का मतलब होता है खाली, ठीक है, इसके बाद आगे देखिए तो संकल्प में उपसर्ग बताइए, मैंने आपको ये भी कल बताया था कि जब आप इन वर्णों को तोड़ते हैं जोड़ते हैं तो इसके अंतर्गत संधि का प्रयोग करिए तो ये टूटेगा, सम प्लस कल्प के अंतर्गत टूट कर संकल्प बन जाएगा, तो सम प्लस कल्प के अंतर्गत संपल संकल्प बन जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी, यहाँ पर व्यंजन का ही मेल है, ठीक है। उसके बाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आपको वाच के अंतर्गत देखेंगे तीन वाच होते हैं कर्तवाच कर्मवाच और भाववाच, ठीक, इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कर्तवाच कर्मवाच भाववाच के अंतर्गत भाववाच की क्रियाएं प्राय अकर्मक होती हैं, मुझसे चला नहीं जाता मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये जो आएंगी भाववाच के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से तद्भव तत्सम का युग्म कौन सा गलत है, जहां भी आपको मिले गलत है तुरंत रुकिए, ठीक है, गलत रुकने के बाद आपको आगे देखना है कौन सा, ठीक, आप देखिए लुनाई लावण्यता लौंग का लौंग आत का अत्र आयुष का आदेश, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, आत का अत्र भी बिल्कुल सही है, लौंग का लवण भी बिल्कुल सही है, लेकिन लुनाई का लवणता नहीं होता, इसके बाद आप जानते रहिए। इसके बाद अगली रचना दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 50 लेखन और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है, संस्कृत के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद रसक के रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बिल्कुल सही है, अशोक के भूल हजारी प्रसाद की रचना ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है, ठीक है, स्कंद गुप्त जो है लक्ष्मी श्री नारायण मिश्र की नहीं है, ये जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए कवि और उनकी रचना में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गुगली होगी तो यहीं से आप सबसे पहले देखेंगे परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके अंतर्गत परिमल बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बहुत सारी रचनाएं परिमल है, कुकुरमुत्ता है, चतुरी चमारी, ये सब इसके अंतर्गत आएगी, शिवराज भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं, शिवराज भूषण, ठीक है, शब्द रसायन जो है देव की भाषा है, ठीक है, शब्द रसायन जो है देव क्या है, देव का जो जन्म हुआ था इटावा के अंतर्गत हुआ था, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जगतदास जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको अगली रचना देखनी है, कौन सी रचना युग्म गलत है, ठीक है, ठीक है, तो जो यहाँ पर आर्यों का देश संपूर्णानंद बिल्कुल सही है, बोलगा से गंगा राहुल दत्त गायन, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी पूरी तरह से सही है, लेकिन दर्शन दिग्दर्शन
रामचंद्र की नहीं राहुल सकृतायन की रचना है। ठीक, ये इन्होंने कौरवी भाषा को दिया था, खड़ी बोली का जो नाम दिया था कौरवी बोली वो दिया था राहुल सकृतायन ने, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है, ये भी पता होगा आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन, अशुद्ध आपको बताना, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठी और मृदुभाषी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसके बाद आपको बताया उसके पास धन वैभव नौकर चाकर, बिल्कुल पूरी तरह से सही। आप हमारे घर आना चाहते तो आइए, अल्प विराम का प्रयोग तो आइए, ठीक है, ठहरना चाहते तो ठहरिए, ये भी बिल्कुल सही। हाँ, मेरा यही विचार है, यहाँ पर होना चाहिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जहाँ जो कि गलत है, तो ये वाक्य के अंतर्गत वर्तनी अशुद्धि थी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का अर्थ है। प्राकृतिक के अंतर्गत जो बात करेंगे तो प्रकृति का मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो होगा सनातन चिरंतन शाश्वत अधुनातन, तो जो होगा जो होगा अधुनातन, ये है प्राकृतिक से। ठीक है, अरवा चीन का जो आपको अर्थ बताना है, अरवा चीन का मतलब होता है गाइस, अरवा चीन का मतलब होता है नवीन, अर्थात नया, कोई वस्तु जो नई होती है उसे बोलते हैं अरवा चीन, अंतर्गत प्राचीन इसका प्रयोग सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दीजिएगा, 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा गलत है। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, बिल्कुल सही बात। ठीक, लुटिया डूबना सारा काम चौपट कर देना, बिल्कुल सही बात है। सब्ज का बाग दिखाना हरा भरा कर देना नहीं, अर्थात धैर्य की प्रतीक्षा लेना। ठीक, माई का लाधना साहसी व्यक्ति, बिल्कुल सही है। तो सही ये वाला गलत है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मुहावरा कैसा शब्द है, यहाँ मात्रा लगेगी यहाँ नहीं। ठीक है, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए अजा तन की छाई परे श्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, लोग बताते हैं यहाँ रूपक भी हो सकता है और श्लेष भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस, जो सबसे बेनिफिट आपको आंसर मिलेगा, जो सबसे आपको सटीक आंसर दिया जाएगा, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए जा तन की जाई पर श्याम का मतलब वो सारा रंग, अर्थात यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ के अंतर्गत रूपक भी हो सकता है, गलत नहीं। लेकिन सबसे पहले आप अगर ऑप्शन को चूज करेंगे तो 58 का ए, उसके बाद डी। ठीक है, उसके बाद गौशाला में कौन सा समास होगा, तो आप सबको सबको पता होगा, इस समय बहुत ध्यान भी दिया जा रहा है गौशाला के अंतर्गत, गौशाला में कौन सा समास का प्रयोग होगा, तो गौ गाय के लिए साला, मतलब गौ गौशाला इसी को बोलते हैं। ठीक, इसी तरह एक रचना थी, अब साला याद ही आ गया, तो जैसे मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, 1935 36 की लिखी गई रचनाएं हैं ये, 1935 में लिखी गई थी, 1936 के अंतर्गत लिखी गई, फिर 37 37 मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा नियंत्रण, सब बच्चन जी की रचनाएं। देशभक्ति में कौन सा समास होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 60 आज का अंतिम क्वेश्चन, देश के लिए भक्ति होती, ठीक है, देश का भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति होती है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो गाइज ये रहे टोटल 30 प्रश्न आज के 18 वाले प्रश्न, आप लोग पूरी तरह से एक एक क्लास को नियमित तौर पर लीजिए, एक भी क्लास को ड्रॉप नहीं करना है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जय श्री कृष्णा राधे राधे। हेलो गाइज, कैसे हैं, व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। तो आप लोगों का सबसे पहला जो गाइज काम है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपनों और अपनों को जोड़े। ये 17 का मैं पेपर लेके आया हूँ, तो आप लोग पुनः उसको देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था जिसकी पूर्व से आशा न हो, ठीक है, इसका होना चाहिए जिसकी पूर्व से आशा न हो, अगर उसके लिए बात आप लोगों ने किया जा सकता है। आप इस समय देख रहे हैं चुनाव का माहौल चल रहा है, तो प्रत्याशी एक वर्ड आता है, ठीक है, अर्थात जिसकी आप क्या करते हैं प्रत्याशा लगाते हैं, तो उसी तरह जिसकी पूर्व में आशा न की गई हो तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो इसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए, अनेक नहीं, अनेकों नहीं होता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्याशा, जिसकी उम्मीद की गई हो, अपरिमेय, इसे मापा तौला न जाए, अनाहूत, हूत का मतलब होता बुलाना, अन का मतलब होता नहीं, अर्थात जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते अनाहूत, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे दिया जाता है शादी वादी में होता है, तो कहते हैं मैं देवता को आहूत करता हूँ, आहूत का मतलब होता है बुलाना किसी को, अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया उसे उसे बोलते अनाहूत, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद निमिष का पर्याय है, आपको बताना है निमिष का जो गाइड पर्याय होता है। देखिए, पर्यायवाची की अगर बात की जाए, पर्यायवाची, आपको एक चीज मैं एग्जैक्ट क्लियर बता देना चाहता हूँ,
जैसे कोई भी वर्ड होता पर्यायवाची का मतलब होता 100% एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए पवन, पवन का दूसरा अर्थ होता हवा, ठीक है, प्राण। तो लेकिन आप एग्जैक्ट जो पर्यायवाची होती है आप एग्जैक्ट के रूप में नहीं, ये 99.99 होती है, 100% उस वर्ड को। जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम पवन है, अगर उसकी जगह पर आप लिख देते मेरा नाम वायु है, मेरा नाम प्राण है, तो ये चीजें गलत हो सकती है। लेकिन पर्यायवाची जो होता है इसके भी तीन प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। निमिष का जो पर्याय होता है वो होता क्षण, ठीक है। तो अब देखिए मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच बताना है। देखिए कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। भाववाच में क्रिया प्रायः जो गाई होती है वो होती है अकर्मक, ठीक है। तो अगर वाच कभी पूछा जाए वाच के कितने भेद होते हैं, वाच के भेद तो आप लगाएंगे तीन, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो उठा नहीं गया मतलब यहाँ पर जो क्रिया दिखाई गई है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है, तो है भाववाच के अंतर्गत, ठीक है। अपेक्षा का विशेषण बताना, अगर विशेषण की बात की जाएगी तो विशेषण का जो निर्माण होता है वो होता है चार प्रकार से। अगर देखेंगे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखें अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षा से जो बनेगा गाय जो बनेगा अपेक्षित, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे गोधूम शब्द का तद्भव बताना है, ठीक है। गोधूम शब्द का तद्भव बताना है क्या होगा, ठीक। आपको मैंने बताया था कि तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव मैं बार बार आप लोगों को गाइड बताया हूँ। तत्मिश होता है उसके, सम्मिश होता है समान, तो अर्थात जो वर्ड संस्कृत के समान होता है उसे बोलते हैं तत्सम। तद्भव वर्ड होता है जो संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा रूप होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं गेहूं, देखिए एक चीज और बता दूं, अगर आपको तत्सम तद्भव पहचानना है तो जो आम जनमानस की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो जो नियमित तौर पर हर आदमी जिन वर्णों को बोल सकता है उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप देखते हैं गेहूं हर आदमी बोलता है, लेकिन गोधूम कितने लोग बोलते हैं, जो कम, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं बोलते हैं गेहूं। तो आप इस शब्द से प्रयास लगा सकते हैं कि जो संस्कृत के वर्ड होते हैं वो थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, तो जो गेहूं बनेगा वो कैसा शब्द, तत्सम शब्द। निष्कपट में संधि विच्छेद बताना है, देखिए अगर संधि की बात की जाए तो संधि के जो भेद होते हैं तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि, ये संधि के भेद होते हैं, आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, ठीक है, वृद्धि, आयादि, यण, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे वृद्धि संधि हो गई, आयादि संधि हो गई, यण संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, और उसके बाद ये चार संधियां हो गई, वृद्धि, आयाद, यण और गुण संधि हो गई, ठीक है। तो आप अपनी कोचिंग का नाम व्यास लिखते हैं तो पहले तीन यही याद करिए, वृद्धि, आयाद, यण और दीर्घ और गुण, ठीक। तो आप देखेंगे व्याह डीजे, ठीक है, व्याह में डीजे, अगर इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि व्याह में डीजे, तो व्याह यहाँ से लिख लीजिए, डीजे यहाँ से रख लीजिए, तो वृद्धि, आयाद, यण, दीर्घ और गुण। व्यंजन की आप बात करेंगे, व्यंजन के भी तीन भेद कहीं कहीं मिलते हैं, व्यंजन के अंतर्गत तोर संधि के अंतर्गत आती है, विसर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे कि निह प्लस कपट में टूटकर बनेगा विसर्ग संधि के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद आपको देखना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए वर्तनी में थोड़ा आप लोगों को लिखने में वर्तनी गलत होती है, जो गृह होता है जैसे आप लिखते हैं अनुगृहित, शुद्ध तो यही होगा, लेकिन और वर्तनी दो तीन पहले आप शुद्ध लिखना सीखिए। जैसे आप लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है, आप लिखते हैं उज्ज्वल, दोनों जा आधे होते हैं, ठीक है, उज्ज्वल। और लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखते हैं कैलाश, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार लड़कों से गलत होता है। और एक वर्ड होता है अनाधिकृत, अनअधिकृत होता है, अनअधिकृत होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो होते हैं अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, ठीक है, आप इन वर्डों को याद रखिएगा, ठीक है। कैलाश इस तरह लिखा जाता है, आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है, तो इन सब वर्डों को देखेंगे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। जैसे एक वर्ड होता अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस युक्त में टूटकर बनता अतिशयोक्ति, ठीक, ये शुद्ध बनता अतिशयोक्ति के अंतर्गत, इन वर्डों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं उपत्तिका, उप का मतलब होता है जहां भी अगाइज आपको वर्ड मिल जाए, उप का मतलब होता है समीप। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखना समीप किसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। समीप जो आप देखेंगे उपत्तिका के अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले समीप या पास किसमें, कहीं यहाँ जिसके पास की गई
पर्वत के पीछे, पीछे का मतलब पास नहीं होता, ये ऑप्शन खत्म। प्राणियों का पेट का एक अंग, ये भी नहीं होगा। उप का मतलब ही होता है समीप, ठीक। पर्वत का शिखर, ये भी नहीं होगा। पर्वत के पास, हमने बताया था उप का मतलब होता है समीप, अर्थात पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे बोलते हैं उपत्यका। एक वर्ड होता अधिपत्यका, उसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानिए, उप जैसे उप होता उपकूल, अगर रहता यही वर्ड उपकूल, होता गंगा के समीप, ठीक है, गंगा के या नदी के समीप, ठीक। उप का मतलब होता है समीप, कूल का मतलब होता है तट, अर्थात जहां पर आप बैठे हो उसके करीब, ठीक। अब आपको देखना है कि किससे कहां से बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे सा का उच्चारण स्थान, तो आप यहां से देखिएगा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था केटीएम दो, KTM 2, ठीक है। तो कावर का उच्चारण इससे हो गया, फिर चावर का उच्चारण हो गया, फिर टावर का उच्चारण हो गया, फिर तावर्ग का उच्चारण हो गया, फिर पावर्ग का उच्चारण हो गया, लेकिन आपको अभी तक आंसर नहीं पता। चला देखिए, अब कावर्ग से ही आप बोलेंगे छोटा और बड़ा, ठीक है। उसके बाद विसर्ग और हा का उच्चारण भी कंठ से होता है, अपू विसर्जनिया नाम कंठ, ठीक है। अब इसके बाद आपको अ लिख लिए, फिर इसके बाद लिखिए ई, ठीक है, और इसके बाद लिखिए या और श, ठीक है। और री जो वर्ड होता है टावर्ग आएगा इसी के अंतर्गत, री और जो स आएगा इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दंत के अंतर्गत स आएगा और ल आएगा, ठीक है। प के अंतर्गत उ और ऊ आएगा गाइस। तो आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो गए, अपू विसर्जनिया नाम कंठा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इचू यसा नाम तालु, जो यसा का उच्चारण होगा ये किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दंत से कौन कौन से वर्ड होते हैं, तावर्ग, तावर्ग को दंत से बोला जाता है, और ल और स को भी दंत से बोला जाता है। मूर्धा से बोला जाता है किसको, ठीक है, मूर्धा से टावर को बोला जाता है, टा को मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड आया था दंतोष्ट, दंतोष्ट आप यहीं पर जान लीजिए, दंतोष्ट होता है वह, ठीक है। पार्श्विक वर्ड जो होता है, पार्श्विक वर्ड जो होता है, पार्श का मतलब होता है बगल, अर्थात होता है ल, ठीक। एक होता है बोध वर्ड, बोध वर्ड, ठीक। वर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे इसे बोलते हैं हा, ठीक है। इसे बोलते हैं काकल्य वर्ड भी बोला जाता है, इसे स्वर तंत्री व्यंजन भी बोला जाता है, स्वर तंत्री, ठीक है। इसे बोध वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखेंगे आप र को, र को प्रकंपित बोला जाता है, ठीक है, प्रकंपित या लुंठित तो भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ड को थोड़ा सा लुढ़क कर निकलता है, तो इसे लुंठित तो वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। व को बोला जाता है दंतोष्ट, आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं, इतनी चीजें आपको बता दी गई, एक एक क्वेश्चन से मैंने पूरी वर्णमाला को आपको एग्जैक्ट क्लियर कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे अत्यंत में उपसर्ग होगा, ठीक। तो अति आप इसको तोड़ेंगे, अति प्लस अंत में टूट कर बनेगा अत्यंत, तो अति हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि के अंतर्गत आएगा। तो आपको यहाँ पर संधि भी पता चल गई और उसके बाद उपसर्ग भी पता चल गया। हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं गाइस, फिर मैं बता दूं, उप का मतलब होता है समीप, सर का मतलब होता है रचना, अर्थात जहां पर दो समीप वर्ती वर्णों के मिलते रचना अभिकार होता बोलते हैं उसे उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग हिंदी में होते हैं 13, इंग्लिश में होते हैं 8, अरबी और फारसी में होते हैं 19, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, चौराहा में समास कौन सा होगा, ठीक है। आपको मैं चीजें बता चुका हूँ, सबसे पहले अगर समास की बात की जाएगी, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के होते हैं 6 भेद। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद, ठीक है। अब आप देखेंगे जिसमें पद की प्रधानता होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। बहुव्रीहि लिखा जाता है, ऐसे याद रखिए, व्रीहि का मतलब होता है चावल, ठीक है। बहुव्रीहि समास में ही बहुव्रीहि समास है, इसको याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुव्रीहि समास में ही बहुव्रीहि समास है, कभी पूछा जा सकता है। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद इसमें उत्तर पद प्रधान होता है या द्वितीय पद कह सकते हैं, द्वंद पद में दोनों प्रधान होते हैं, और इसके बाद बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, इसको जान लीजिए। इसीलिए बाकी दो जो होते हैं द्विगु और कर्मधारय में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसीलिए मुख्य समास जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपको जानने की आवश्यकता है, जितनी डेफ्ट में मैं चीजें बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, इससे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी समाज में, ठीक है। तो आप इस चीज को जानते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि द्विगु के अंतर्गत जहां पर कर्मधारय, इसकी विशेषण और विशेष की कहीं बात की गई नहीं, इसका काम खत्म, ठीक है। और अथवा या से कहीं वह जुड़ा है नहीं जुड़ा है, काम खत्म। अव्यय भाव कहीं पर है, मतलब जहां पर पहला पद अव्यय की बात करा, जब नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा अगर नहीं होगा, फिर भी अगर आपको संख्यावाची दिख जाए तो होगा, हमेशा
द्विगु समास ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए यहाँ। मैंने कहा संख्यावाची जितने भी होंगे वो सब होंगे कि कैसे द्विगु समास के, लेकिन 11 से लेकर 18 तक, फिर 21 से लेकर 28 तक, फिर 31 से लेकर 38 तक, इन सब में होगा भैया जी द्वंद्व समास। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में आप लूसेंट में ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा, पृथ्वी पीएन पांडे में भी नहीं मिलेगा। इस चीजों को मैं स्वयं से रिसर्च करके बनाया हूँ। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे पहला पद गिनती वाची है, लेकिन आप 11 को जब तोड़ेंगे तो इसमें होगा द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, लेकिन जब आप 19 को तोड़ेंगे तो उन प्लस 20 में तोड़ सकते हैं, तो उन जो होता उपसर्ग अव्यय के कोट का होता है, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, 20 में तो आप जानते हैं अन्य पद की प्रधानता होती है, उसमें होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर बहुव्रीहि समास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर गूगली कराना चाहेगा तो यहीं पे करा ले, पूछ लेगा 12 में कौन समास, सब लोग देखेंगे कहेंगे गिनती है, गिनती है, तुरंत लगाएंगे द्विगु। लेकिन जब आप एग्जाम में नंबर जोड़ेंगे तो जाएंगे कम थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना 42 नंबर क्वेश्चन कि इसका अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो आप सभी लोग जानते हैं नासिका से होता है, जितने भी पंचमाक्षर वर्ड होते हैं अंगा इया अड़ा न तथा दधन प फ ब भ और म, ये होते हैं, इसको नाक से बोला जाता है, नासिक के बोल, इन्हें बोलते हैं अशुभ वर्ण भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासक अपने इन पे नाम नहीं रखता था, इसीलिए इन्हें अशुभ वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जानने की डेप्थ में, हमने एक एक चीज को आपने डेप्थ के मतलब पूरा पेपर मैंने फाड़ के रख दिया। ठीक, उसके बाद आपको देखना चार गज मलमल कौन सा विशेषण, मैंने विशेषण के बारे में बताया था कि विशेषण के जो भेद होते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत देखेंगे विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाण इसके इसके परिमाणवाचक के पांच भेद होते हैं, फिर गणनावाचक के अंतर्गत देखेंगे दो। ठीक है, गणनावाचक के भी सात भेद होते हैं, तो आपको इसके अंतर्गत आपको गाइड बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो परिमाण बोधक चार गज मलमल, ठीक है, तो ये परिमाण को दिखा रहा है, जहां पर माप तौल की बात की जाए वहां परिमाणवाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम की बात इसी के अंतर्गत आएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज पहले ही बताया था, अगर तत्सम तत्व पहचानना है तो मैंने कहा था जब भी परिवर्तन हो, जैसे शीर्षासन वर्ड आता है तो आप ये सा का जो परिवर्तन होगा इसमें होता है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे 44 नंबर शीर्ष का जो होता है शीर्ष, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बताना है 42। ठीक है, आपको मैं यहाँ से कई चीजों की जानकारी दूंगा। ठीक है, बोली के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा जो हिंदी के अंतर्गत कितनी, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोली, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर गूगली कर सकता है, ये पूछ सकता है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, कुल कितनी बोलियां आती हैं। ठीक है, एग्जामिनर सेम आपको ऐसे ऑप्शन देगा, पहला देगा 18, दूसरा देगा 6, फिर दूसरा देगा 17, फिर देगा 8। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये, तो ये चीज आप देखेंगे गाइस हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती, आपसे ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं कि आपसे कहीं भी गलती होने की संभावना ना हो। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोली आती, मैं यहाँ लिखा हूँ हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती। ठीक, आप दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखिएगा प्लीज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हिंदी के अंतर्गत कुल पांच उपवर्ग आते हैं, उपवर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे पांच उपवर्ग के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत 18 बोलियां आप देखेंगे पांच उपवर्गों के अंतर्गत। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है, आप इसके बाद देखेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे, इसके अंतर्गत पांच बोलियां आती हैं, कब कब है। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी हिंदी की आती है ए बी सी, ठीक है, बिहारी की आती है यम एम बी, ठीक, उसके बाद आती पहाड़ी हिंदी, ठीक है, इसके अंतर आती खस और ब्राचड़ के बी। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखने का प्रयास करिए, पांच उपवर्गों के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, एक और कोई रह गई, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे के से हो जाएगा खड़ी बोली, जिसको राहुल सत्यनारायण ने कौरवी बोली का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद ब्रज, फिर इसे काव्य भाषा के रूप में जाता है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली,
हरियाणवी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी, फिर पहाड़ी केंद्रित खस और ब्राचर, ठीक। फिर आती सिंधी के अंतर्गत आएंगी, ठीक, सिंधी के अंतर्गत आएंगी SBI, ठीक, ब्रांचर जो आएगी इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक। आप लोग एक एक चीजों को पूरा डेप्थ में मैंने बताया, ठीक। उसके अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देवनागरी लिपि की जो खोज हुई थी वो गुजरात में हुई थी, भारत के अंतर्गत जय भट्ट ने खोजा था, जय भट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। आपको इतनी चीजों के बारे में मैंने पूरी हिंदी भाषा परिवार को बताया, तो आप क्या जानेंगे इससे ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा अब क्वेश्चन जो पूछा आप पूछ रही है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोली, 18 बोली आती, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोली आती, तो पूरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, कब कब है ये 5 और प्लस ये 3, गाइज होगा आंसर 8। इस तरह की आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लगा के आएंगे 18, फिर नंबर जोड़ेंगे कहीं एक तो कम हो गया, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आंख का किरकिरी होना, अप्रिय लगना, ठीक है, अप्रिय लगना, धोखा देना, बहुत प्रिय होना, तो बहुत प्रिय होना मतलब नाक का बाल होना, नाक का अगर बाल आप तोड़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बहुत प्रिय होना। धोखा देना मतलब दगाबाजी कर जाना, ठीक है। अप्रिय लगना, अप्रिय लगना मतलब इच्छा मन न भाना, अप्रिय। आंख का किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना, अगर आपके सामने अगर कोई पढ़ के कांस्टेबल बन जाए और आप रह जाए, आप शिक्षक ना बन पाए, तो आपकी क्या होगा, आंख की किरकिरी होगा, कष्टदायक होगा। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द होता है, जितने भी मुहावरे आपको मिलेंगे उसके अंत में ना जरूर होगा, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा एक एक चीज, ठीक है। अवर्तनी के दृश्य कौन सा मौखिक अभिभाषण का रूप है, आपको बताना है इनमें मौखिक भाषण। देखिए मौखिक का एक चीज अगर आप जान ली, श्रुति का मतलब है सुन सुन कर लिखा जाना, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, मतलब आप जब लेख लिखेंगे तो या तो देख के लिखेंगे, एक होता आलेख, एक होता सुलेख। शुद्ध वर्तनी, आप वर्तनी भी लिखते हैं तो देख, लेकिन आंसु भाषण जो होता है वर्तनी, सुलेख, लेख का मतलब होता है लिखना, श्रुति लेख का मतलब होता है जो सुन सुन कर लिखा जाए, ऐसा लेख, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद आंसु का मतलब होता है तत्काल, भाषण का मतलब होता है भाषण, ऐसा ऐसा भाषण जो तत्काल कवि, तत्काल लिखा जाए उसे आंसु भाषण। इसी तरह होता है एक आंसु कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचनाओं को कवि करे, ठीक है। इसी एक वर्ड होता है आंसु कवि, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता, ऐसा कवि जो तत्काल रचनाओं को करे, ठीक है, तत्काल रचनाओं को करने वाला कवि, रचनाओं को करने वाला कवि, करने वाला कवि, ठीक है। इसके बाद आप सुनिएगा अगला वर्ड, बाकी सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक होता है आशुतोष, आशुतोष किसका पर्यायवाची, भगवान शंकर का। आशु का मतलब होता है तुरंत, तोष का मतलब होता है अर्थात ऐसे देवा देवता जिनको प्रसन्न करना आसान हो, उन्हीं को बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, इसीलिए बोला जाता है ऐसे भगवान जिसको आप तुरंत प्रकट कर ले, तुरंत मना ले, उन्हें बोलते हैं आशुतोष। तो जो ऐसा कवि जो तत्काल भाषण को ले ले, उसे बोलते हैं आशुतोष, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम अगला देखेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मतलब भारत से बाहर जो अगर प्रयोग किया जाता है, पाकिस्तान में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बृहद स्तर पर अगर देखा जाएगा तो इसके अंतर्गत मॉरिशस में किया जाता है, ठीक है। मॉरिशस पोर्ट लुइस है, आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हिंदी के जो कवि सम्मेलन हुए थे, हिंदी के कुल 11 कवि सम्मेलन अब तक हुए थे, पहला जो हुआ था आप देखेंगे भारत में हुआ था 1975 के अंतर्गत नागपुर में हुआ था। तो आप देखेंगे हिंदी के बाहर मॉरिशस के अंतर्गत पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस के अंतर्गत इसके हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारत से बाहर कई देशों में किया जाता है, श्रीलंका में भी हिंदी भाषा बोला जाता है, पाकिस्तान में बोला जाता है, नेपाल में, लेकिन भारत से सबसे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो मॉरिशस के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है भारतीय द्वीप से निकलने वाली पत्रिका कौन सी थी, ठीक है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी से निकलती थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे, ये जो निकलती थी 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी निकाली, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। पहले इसका जो प्रारंभ हुई थी ये 1900 से लेकर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने इसका बनारस से प्रकाशन किया था, ठीक है, बनारस से प्रकाशन किया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कविवचन सुधा जो हिंदी प्रदीप के द्वारा निकाली जाती थी, भारतीय द्वीप की पत्रिका है, ठीक है। नवनीत का मतलब होता है ताजा मक्खन, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा तद्भव पत्रिका का संपादन होता था, तद्भव पत्रिका हमने आपको बार बार बताया, जब भी तद्भव तत्सम वर्ड आए हैं तो उसके अंतर्गत मैंने बताया कि तद्भव पत्रिका का जो प्रकाशन करते थे अखिलेश तिवारी करते थे। इसके बाद हिंदी जो हिंदी प्रगतिशील का पहला लेखक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, वो भी लखनऊ से हुआ था, तो अखिलेश तिवारी इसका प्रकाशन करते थे 1900
99 के अंतर्गत ये पत्रिका का प्रकाशन होता था लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसके प्रकाशन का श्रेय जाता अखिलेश तिवारी को। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल में बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 12 वर्ष ले कुकुर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जिए, आगे जिए को धिक्कार। तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि ऐसा बताया जाता था, 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जिए को धिक्कार, अर्थात कुत्ते की जो उम्र बताई गई वो कितना, 12 वर्ष, 13 वर्ष जिए सियार, और जो सियार की उम्र बताई गई थी वो 13 वर्ष, बरस 18 छत्री जिए, अगर छत्री की जो उम्र बताई गई थी 18 वर्ष, आगे जिए को धिक्कार, इस तरह की जो लाइनें लिखी गई थी वो किसके माध्यम से लिखी गई थी, आप सोचिए। और इसी एक पंक्तियां यही कवि ने लिखी थी, ठीक, उसके बाद एक पंक्तियां लिखी गई थी, अगर जो मर जाइ हो खटिया पर तो कुकुर गीत न खाइए मात, अगर मरियो रण खेतन मा तो तुम्हारा नाम अमर हो जाए। तो इस तरह की जो पंक्तियां लिखी जाती थी गाई, तो ये थोड़ा वीर रस से प्रभावित होती थी, ये किसने लिखा था, ठीक है, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर जो इसको लिखने का जो श्रेय लिखा था, जगनिक ने लिखा था, इन पंक्तियों को जगनिक ने लिखा था। तो आप ये जानिएगा इतनी वीर, इतनी ओजपूर्ण रचनाएं की जाती थी जगनिक के समय। उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो मानक भाषा जो होती है, मानक स्टैंडर्ड लेवल जो होता है वो जो होता है, साहित्यिक भाषा नहीं हो सकती, साहित्यिक रचनाएं की जाती। तो 52 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, सूरदास ने कुल 12 प्रामाणिक रचनाओं को जो 6 ब्रज भाषा में लिखी गई थी, 6 अवधि भाषा में लिखी गई थी, तो सूर सागर जो गाय लिखी गई थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, ये किसने लिखा था, ये सबको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, ये सुमित्रा नरपंथ होना चाहिए था, ठीक, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लाइन को ड्रॉट बाई सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आला खंड है, मैंने अभी बताया था आला खंड, ठीक, बुंदेलखंड से संबंधित था, जगनिक परमाल रासों के अंतर्गत देखेंगे, परमाल रासों के अंतर्गत आला खंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना है आपको, अगला पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। अगर आपको देखे पूरा, मैं आपको बार बार आगाह कर देना चाहता हूं, कभी भी आप पैसेज मत पढ़िए, कभी भी पैसेज आप बिल्कुल मत पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब जो पैसेज का ट्रेंड हो गया ना, वो क्वेश्चन पैसेज आप एक पूछता, सबसे पहले आप आज पैसेज पढ़ना बंद करेंगे, ठीक है, आज से आप सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन देखिए पूछा क्या। अब ये 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछिए, आप इसका कहां संबंध पैसेज से, आपसे पूछा घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, आप बताइए। तो घूम प्लस अक्कड़, पहला जो क्वेश्चन आपका तैयार एक नंबर, ठीक, तो अक्कड़ प्रत्यय होगा, घूम मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर घुमक्कड़ बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखना आपको, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बस आप यहाँ पहुंचिए, उसके बाद जहाँ महावीर लिखे हो, अब देखिए यहाँ से आप महावीर, अब आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। महावीर ने संदर्भ विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, ठीक है, उसके बाद आपको आगे पढ़ना, दिशाओं को अपना अंबर बनाया, वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। तो आपको ये मिल चुका है आंसर, वैशाली में जन्म लिया, बस आपका काम खत्म, क्वेश्चन देखिए आंसर टिक करिए, वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सा संधि विच्छेद होगी, ठीक है, स्वच्छंद के अंतर्गत आप देखेंगे, स्वच्छंद के अंतर्गत आप अगर देखेंगे गाइस, ठीक है, स्वच्छंद के अंतर्गत अगर आप देखेंगे विसर्ग स्व प्लस छंद में टूटकर बनेगा विसर्ग संधि के अंतर्गत स्वच्छंद बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुई थी उनकी अवस्था क्या थी, तो आपको क्वेश्चन वहीं से टेकल करना है, तो ठीक है, आप देखिएगा यहाँ लिखा होगा आपको, ठीक। अब आपको देखना है, अब आप जहाँ 35, 36, 38 आसन देखना, कुछ महीनों में छोड़कर उन्होंने 35 वर्ष की बुद्धत्व को ज्ञान प्राप्त हुआ, बस ठीक, यहाँ से आपको जो आंसर मिला गाइस वो 35 वर्ष मिला, ठीक है। श्रुति का संबंध है तो वैदिक धर्म से, तो वेद प्लस एक में टूटकर वैदिक बनता है, श्रुति का संबंध इसी से होता है, तो ठीक है। तो इस तरह टोटल आपका 2017 का मैंने प्रश्न को पूरी सॉल्व किया, ठीक है। आपको कराया तो मैंने 30 क्वेश्चन, लेकिन आप देखेंगे एक एक चीजों को डेफ मैंने बताने का प्रयास किया। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। अब आपको यूपी टेट 2016 का जो प्रश्न कराना है, तो आप, मैं नियमित रूप से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस प्रीवियस ईयर का करा रहा हूँ, जितने भी विगत वर्ष में पेपर आए हुए हैं। तो गाइस, जो आप लोगों का सबसे पहला काम है, अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
और अपने और अपने दोस्तों को जोड़ो जो कि आपको नियमित रूप से काम करना बिना कहे, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा। अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो अगर आप इसको लिखेंगे उपसर्ग, अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना, अर्थात जो दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से रचना होती है उसी को बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। अगर क्लियर पूछ ले कृत प्रत्ययों की संख्या की, कृत प्रत्ययों की संख्या ठीक है, तो आप जान लीजिए कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है 42 होती है। अच्छा उप का मतलब होता है समीस, अगर आप इसको तोड़ेंगे यण तंत्र के अभि प्लस आगत में वर्ड टूटेगा अभ्यागत बनेगा, तो उपसर्ग पूछा है तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते प्रत्यय, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है आपसे कभी पूछा जा सकता है कि प्रत्ययों की संख्या कितनी, 42। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखेंगे तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमण रम प्लस अनीय में टूट कर बनेगा रमणीय, ठीक है। तो इसमें अनीय प्रत्यय होगा, इसका गाइस पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर उपसर्ग और प्रत्यय देखना है तो सबसे पहले आपने जो देखा है सुना है पढ़ा है वही ई, आपने कहीं पढ़ा है सुना है देखा नहीं। रम तो है वर्ड, रम आपने पढ़ा भी होगा देखा, लेकिन ये उपसर्ग अड़ी ये कोई आपने वर्ड पढ़ा नहीं, तो जो आपने देखा नहीं सुना नहीं पढ़ा नहीं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो न उपसर्ग हो सकते हैं न प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 सवय रघुनार कठार की धार में बारन बाज तथा रही, बाण की प्राण उड़ाए के लक्ष्मण लक्ष्मण लक्षण करो अहिरा समथाई, ठीक। इसमें आपसे पूछा कि रस कौन सा होगा, ठीक। अगर आप रस की बात करेंगे, ठीक, अगर रस संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए, रस रस संप्रदाय का प्रवर्तक, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना गया है, भरत मुनि को माना गया, ठीक। अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो आप लगाएंगे 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो 8। अभिनव गुप्त ने नवा रस दिया था, अभिनव गुप्त ने नवारस शांत रस को दिया था, जबकि भरत मुनि इसे नहीं मानते शांत रस के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये बात पढ़ने के बाद लग गया होगा वीर रस, ऐसी कोई बात आपको वीर रस की बात की नहीं जा रहा, वीर का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह, ठीक है। ऐसी आपको वीर रस की बात, भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, ठीक है। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। विभस का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर घृणा की बात की जा रही है तो रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। रौद्र का जो स्थायी, सॉरी माफ करिए, रौद्र रौद्र होगा, घृणा की मैंने बात कर दी थी, तो क्रोध जो होगा यहाँ पर गुस्सा गुस्सा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो होगा इसके अंतर्गत बात किया जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना क्वेश्चन नंबर 34, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, रज का मतलब होता है धूल कण, ठीक है। निज मन मुकुर सुधार बर्णव रघुवर विमल जस जो दायक पलचान में छंद कौन सा है, ठीक है। आपको अगर छंद की बात की जाए, छंद के कितने भेद होते हैं, चार, ठीक। कौन कौन से, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो छंद के अगर आपसे भेद पूछ लिया जाएगा, वर्णिक छंद हो गया, मुक्तक छंद हो गया, उसके बाद इसका प्रयोग करके छंद के टोटल चार भेद होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको सोरठा दोहा बरवे, ठीक है। आप बरवे में देखेंगे 12 और 7 की अति होती है, सोरठा में 11 और 13 की अति होती है, दोहा में 13 और 11 की अति होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जब आप मात्रा लगाएंगे तो बरवे में जो मात्राएं होती है वो 12 और 7 की होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। 11 और 13 की अति के साथ रोला में कुल 24 मात्राएं होती है, सोरठा में मात्राओं की जो संख्या होती है वो होती है 11 और 13, ठीक है। और दोहा में जो मात्राओं की संख्या होती है 13 और 11 होती है, ठीक है। आप ये देखने का प्रयास करिएगा, मात्राएं आप लगा लीजिए 2 3 4 5 6 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11, फिर उसके बाद देखेंगे 12 13, फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ यति लगी हुई है, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8 8 2 10 1 11। तो आपने देखा पहले में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं, तो मात्राएं लगाने के बाद जो आपकी कंडीशन पती वो पता चला दोहा है, ठीक है। इतनी चीजें आपको मैंने पूरा डेप्थ में बता दिया, तो आपको जानने की आवश्यकता, और दो होते हैं विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत, ये भी जान लीजिए।
आर और रोला और कुंडलियां, आर के 24 याद रखिए, रोला और कुंडलियां में 24 24 मात्राएं होती हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए एक एक चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेगा, वाक्य को शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध जानना है। तो आप पढ़ेंगे, पहला दिया है मोहन और गीता गा रही है, नहीं, गीता और मोहन गा रहा है, नहीं, जब दो लोग रहे हैं प्रयोग किया जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन थर्ड होगा इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 36 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी का शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, आपको इसके अंतर्गत आपको देखना है कि सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आप सार्थकता पूरी वर्ड को देखेंगे, तो सबसे पहले आएगा किसान, ठीक है, उसके बाद आएगा कृषक, उसके बाद जो वर्ड आएगा क्रम, ठीक है, क्रम के बाद आएगा क्लीव, ठीक, ये वर्ड आएगा। अब आपसे पूछा सबसे अंतिम वर्ड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, हर लड़का गलत करके आएगा, क्योंकि आप इतना ध्यान से देखेंगे नहीं, सब हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम वर्ड, ये क्वेश्चन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ठीक, सबसे जो अंतिम वर्ड होगा वो होगा क्लीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, उसके बाद 37 नंबर देखिए, चराचरम जगत में चर और अचर का अगर समास के अंतर्गत बात की जाएगा, समास के जो भेद होते हैं छह होते हैं, मुख्यतः अगर बात की जाए मुख्यतः के अंतर्गत चार होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है समास में दो शब्दों का मेल होता है और समास के अंतर्गत समाज का विग्रह किया जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये सब आपको बातें पता होती हैं। और कर्मधारय में विशेषण विशेष बनता है, विशेषण विशेषण विशेष की कंडीशन होती है, ठीक है, और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, चर और अचर में यहाँ टूटेगा अचर और चर, ठीक है, तो इसके अंतर्गत टूटकर ये बात हो जाएगी, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि शब्द की अर्थ की स्पष्टता के लिए कौन सा तरीका सबसे शुद्ध होता, अगर आपको शब्द का स्पष्ट करना है तो सबसे शुद्ध तरीका है गाइस कि आप एक वाक्य का प्रयोग करें, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, भाषा शिक्षण पद्धति के लिए, ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ CDPA का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा शिक्षण जो है कौन सी पद्धति नहीं है, किंडमालकर है, मार्शनेट है, ड्रेक्राली है, ठीक है, ये वाली जो अभिक्रमिक अनुदेशक प्रणाली आपको नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको ये बताना है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाती है, ठीक है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे क्वेश्चन को, अगर इस तरह का क्वेश्चन बात की तो कोई भारतीय की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। व्याकरण शिक्षण में कौन सा उपयुक्त नहीं है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगम, आगम का मतलब था सीखना, निगमन ये भी सिखाया जाता, आवृत कृत ये भी सिखाया जाती, लेकिन कक्षा विनियक नहीं सिखाया जाता है कि कक्षा में आप उनसे एक दूसरे से क्या करें, अलगाव की बात करें, ये सब नहीं सिखाया जाता। अब आपको देखना आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो आपको ये देखना है कि आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन होता था गाइस, ये 1881 से पत्रिका निकलना शुरू हुई थी मिर्जापुर से, इसको निकालते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, ये मिर्जापुर से पत्रिका निकलती थी। लखनऊ से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम था तद्भव, 1999 के अंतर्गत ये निकलती थी, इसका प्रकाशन करते थे अखिलेश तिवारी, ठीक है, एक एक चीज वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तिवारी करते थे इसका प्रकाशन, इलाहाबाद से जो निकलती थी, इलाहाबाद से भी पत्रिकाएं निकलती थी। उसके बाद आप देखेंगे जो बाल मुकुंद गुप्त थे उनकी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, बनारस से बहुत सारी पत्रिकाएं निकली। उसके बाद जो आदम कादम्बिनी का जो प्रकाशन हुआ है मिर्जापुर से 1881 के अंतर्गत, इसका वहां से निकलती थी पत्रिका। उसके बाद क्वेश्चन आदिकाल की रचना है, आदिकालीन रचना है आपको, छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है, तो ठीक है, भूषण इसके कवि नहीं है, भूषण की ये रचना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दीक्षिका महादेवी वर्मा की रचना है, जन्म फरुखाबाद में हुआ था, महादेवी वर्मा की रचना, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनको 1982 के अंतर्गत यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, आप इसको भी याद रखिएगा। अखरावट जो है भक्त काल की रचना है, ठीक है, भक्ति काल की रचना है, ठीक है। खुमार रासो जो है आदिकालीन रचनाएं है, और खुमार रासो की जो रचना की थी वो किसने की थी,
ठीक है, कुमार रासो की जो रचना की थी वो की थी दलपति विजय ने, दलपति विजय। और अखरावट जो थी वो किसने लिखा था, ये अखरावट भक्तिकाल की रचना थी। ठीक है, आपको ये सब चीजें याद रखना होगा। ठीक, एक एक चीजों को इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, तो आपको मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इस बार बहुत ही शानदार होगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य के कथन के अंतर्गत आता है पूर्व गान के पश्चात नहीं, प्रस्तावना के पश्चात आदर्श वाच के पश्चात मौन वाचक। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप गद्य योजनाओं को अंतर्गत देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 44 का बी होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा, आप इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे, कई निबंध संग्रह है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पुस्तक है आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद की रचना है। और छड़ बोले कर्ण मुस्काये यज्ञ की रचना है, आप लोग जानते रहिएगा कितनी नाव में कितनी बार इनके लिए माटी की फूल, ये भी रचना है। ठीक है, चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और इनकी जो निबंध संग्रह की बात करें तो इनका एक रचना है यश, ठीक है, क्रोध ईर्ष्या, ठीक, उसके बाद आप देखेंगे घृणा, फिर इसकी अगर बात की जाएगी उत्साह, ये सब इनके निबंध संग्रह के अंतर्गत बात की जाएगी। एक और इनका निबंध संग्रह करुणा, ठीक है, तो ये सब इनके निबंध संग्रह चिंतामणि है इनका जो निबंध संग्रह के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, राष्ट्रवादी कवि इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि किसे दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मई 1961 के अंतर्गत। ठीक है, 50वें जन्मदिन पर शाही शांति परिवार साहू शांति प्रसाद के जैन के परिवार वालों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 के अंतर्गत वो मिला था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। ठीक है, ये मलयालम कवि थी, इनकी जो रचना थी ओट्टकल थी। ठीक है, इनकी जो पहली रचना थी वो ओट्टकल थी। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसके 1,00,000 रुपए दिए जाते थे, गाइस आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो वर्तमान में इसकी जो राशि दी जाती है वो 11,00,000 रुपए दी जाती है। ठीक है, अब तक हिंदी के कुल 10 बार में 11 कवियों को दिया गया है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, हिंदी के कुल 10 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1968 के अंतर्गत पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक, चिदंबरा के लिए दिया गया था। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। ठीक है, अभी आप देखेंगे 2021 और 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, तो जो 2021 और 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 56वां दिया गया है, वो नीलमणि फूकन को दिया गया है, नीलमणि फूकन को दिया गया है। और 57वां जो दिया गया है दामोदर मावजे को दिया गया है। ठीक है, दामोदर मावजे को दिया गया। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जब नीलमणि पा जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, मौज करने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसके बाद याद रखिएगा, ये जो थे ये असमिया कवि थे। ठीक है, असमिया कवि थे, ये असमिया कवि थे, आप इसको याद रखिएगा, एक चीजों को मैंने बताया है। और दाऊदर मावजे ये कोंकणी भाषा के कवि थे। ठीक है, कोंकणी भाषा के। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो कुल 23 भाषाओं के लिए जाता है, क्योंकि पहले मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं थी उसके लिए दिया जाता था, अब इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग पूरी तरह से, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको पूरी तरह से इसको डेप्थ में मैंने जितना जानकारी थी आपको मैंने बताया, बहुत सारी चीज अभी बताने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद जाइएगा। और सब पहले जो दिया जाता था एकल के लिए जाता था, 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद बताते हैं निरामिष किसे कहते हैं। निरा का मतलब होता रहित और मिस का मतलब होता मांस, मांस रहित भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, निरामिष। ठीक है, मोज की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं, मुमुच्छ। देखिए, मोज का इच्छुक जो होता है उसे कहते हैं मुमुच्छ। रात में बिछड़ करने वाला राक्षस होता है, या नभ में बिछड़ करने वाला उसे बोलते हैं खेचर। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमुर्ष बोला जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपको पूछा शहद कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया था। शहद जो है आगत वर्ड के अंतर्गत आता। आगत वर्ड होते क्या है जान लीजिए। देखिए अब आगत वर्ड जो होते हैं, जो ये वर्ड आते हैं ये आगत वर्ड के अंतर्गत आता है। जैसे आप लिखिए डॉक्टर, मास्टर, ठीक है, तो ये सब आगत वर्ड के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा प्लीज। वनिता किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, वनिता जो होता है गाइस, वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जंगल का जो पर्यायवाची अगर आप देखेंगे ये होता है कांतार, अटवी, ठीक है, वन, कानन, कुसुम, ठीक, ये सब इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। व्यवसायिक का जो होता है वड़िक होता है, वड़िक, ठीक है, ये सब होता है वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है सूर्य का जो पर्यायवाची होता है, अब आपको बताना है मुकुंद किसका पर्यायवाची, मुकुंद जो होता है गाइस वो होता है विष्णु का पर्यायवाची। अगर आप इसके अंतर्गत और देखेंगे पर्यायवाची तो होता केशव, ठीक है, केशव, गोविंद, गोविंद हो गया, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे उपेंद्र हो जाएगा, इन्हीं का पर्यायवाची, दामोदर भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये चीजें आप लोग जानते रहिए। शिव का जो सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, दिवाकर, सूरज, मार्तंड, आदित्य, आदित्य, ठीक है। अगर आपको कभी भी सूर्य के पर्यायवाची में आप जा जोड़ देंगे, जैसे अर्कजा, भानुजा, सूर्यजा, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सूर्य की पुत्री का, ठीक है। कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मार, अनंग, रतपति, ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, काहे रे नाल तू कुमलानी, तेरे पर नाय सरोवर पानी, ये किसकी पंक्तियां है, तो ये जो गाइस पंक्तियां है ये कबीर की पंक्तियां है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, करपट, करपट जो होता है कपड़े को बोला जाता है, करपट कपड़े का तद्भव होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो बरात और बसंत आपको बताया गया था, ठीक है। आप अर्थ स्वर के अंतर्गत बात करेंगे, अर्थ स्वर होता है जैसे या और वा, आप लिखते हैं गई, ठीक, तो आप गई इस तरह भी लिखते हैं, आप गई इस तरह भी लिखते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं यूवी, आपने लिखा यूवी, आपने लिखा यूवी, ठीक है, तो बात यही, इसीलिए इसको स्वर और अर्ध स्वर के अंतर्गत दोनों रखा जाता है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, आपको बताना है अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, अपराधी शंकाग्रस्त रहता है, ठीक है। उसके बाद जो अपराधी होता है वो गाइस क्या होता है, शंकाग्रस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिएगा, एक बार कही बात को दोहराने के लिए क्या कहा जाता है, मतलब आपने किसी चीज को कहा उसको दोहराने के लिए क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं पृष्ठ प्रेषण, ठीक है। प्रेषण का मतलब होता है, पृष्ठ का मतलब होता है बार बार, प्रेषण का मतलब होता है दोहराना, अर्थात किसी बात को बार बार दोहराने को क्या कहलाता है, पृष्ठ प्रेषण कहा जाता है। बुद्धहीन शब्द की व्याकरण के जैसे किस वर्ग के अंतर्गत आए, अगर आपको बुद्धहीन वर्ड को जानना है तो संज्ञा, संज्ञा हो नहीं सकता, सर्वनाम विशेष कुछ है नहीं। अगर आपको क्रिया और विशेषण बुद्धिहीन, अब आप इसके बाद एक उचित संज्ञा का प्रयोग करिए, बुद्धिहीन व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो विशेषता का बताने लगा वो कैसा व्यक्ति, बुद्धिहीन, तो इसके अंतर्गत जो काम करेगा वो विशेषण के अंतर्गत काम का प्रयोग होगा, ठीक है। छत से ईंट गिरी, अगर कारक की बात किया जाएगा, कारक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कारक होते हैं 8, अगर कभी किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछ दिया जाएगा तो कारक होते हैं 6 इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर कभी भी आपको अलगाव की भावना, जैसे छत से ईंट गिरी तो ईंट छत से क्या हो रही, छत फिक्स है उससे ईंट गिर रही, अलगाव की भावना का बोध होता है, तो वहां होता है अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, महोर्म कैसा, तो यहाँ से सुनेगा महा प्लस उर्म के अंतर्गत, उर्म का मतलब होता है लहर, ठीक, इसका जो दूसरा पर्यायवाची वीच, दुकूल, ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। इतनी चीज आपको मैंने क्लियर करा दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, समष्ट का विलोम बताना है, समष्ट का जो गाइस विलोम होगा वो होगा व्यष्टि, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको 30 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी कराई, तो गाइज आज के लिए रखते हैं इतना, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। तो गाइज आप लोगों का जो सबसे पहला काम है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जोड़ें। तो आप लोगों का गाइज सबसे पहला काम है, टेट की जो श्रृंखला चल रही है प्रीवियस ईयर की, तो सभी क्वेश्चन को एक तरफ से आपको मैं लगातार जो जितने भी विगत वर्षों में आए हुए पेपर हैं आज उसी श्रृंखला में मैं 2015 का पेपर लेके आया हूं, जो आप लोगों के लिए देखना है, सुनना है, कितना उपयोगी होगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं
2015 का पेपर, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो आपके अंतर्गत देखना आचरण की सभ्यता किसने लिखा था और इनके अन्य रचनाएं भी आपको देखना है आचरण की सभ्यता के अलावा, ठीक है। अगर आप देखेंगे आचरण की सभ्यता जो लिखा था सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था, ठीक है, सरदार पूर्ण का ये निबंध था। अगर इनके और निबंधों की हम बात करते हैं, सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था, उसके बाद अगर इनके अन्य निबंधों की बात की जाए तो सच्ची वीरता, ठीक है, वीरता, उसके बाद अगला निबंध मजदूरी व प्रेम, मजदूरी व प्रेम, ठीक है। अगली जो इनकी रचना थी कर्तव्य और सभ्यता, ठीक है, कर्तव्य और सभ्यता, ठीक है। तो ये गाइस ये सब निबंध थे सरदार पूर्ण सिंह के जी के, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर अब आपके अंतर्गत देखना अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत अष्टछाप की जो स्थापना की थी सूरदास को माना जाता है, इसीलिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाभादास अगर देखेंगे, इन्होंने एक रचना ली थी भक्तमाल, तो सूरदास अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी कवि इनके अंतर्गत आते हैं। तो भक्तमाल जो रचना की थी वो नाभादास की थी, एक रचना इनकी याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी आपको आत्म साक्षात्कार स्वानुभूति रहस्य, रहस्य का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल से बताते होता है रहस्य। आप एक चीज थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आ का मतलब होता नहीं, निर्वचनी का मतलब होता व्यक्त किया जा सके, अर्थात जो वाणी द्वारा न व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो विनय पत्रिका की कौन सी भाषा थी, तो विनय पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, इसमें 280 पद थे गाइस, ठीक है, कितने पद थे, और इसका जो रस है वो शांत रस के अंतर्गत आता है, ठीक, शांत रस के अंतर्गत आता है, ठीक। अगर इसके अंतर्गत आप बात करेंगे, विनय पत्रिका जो लिखी गई थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, और ये अपभ्रंश, देखिए अवधि, खड़ी बोली, खड़ी बोली का अन्य नाम जो है इसे कौरवी कहते हैं, कौरव प्रदेश की भाषा भी कहते हैं, इसे राहुल साकरताय ने दिया था, ठीक है। अवधि जो बोली जाती है आपके पूर्वांचल मतलब अवध का क्षेत्र, जैसे फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, रायबरेली, तो ये जो क्षेत्र के होते हैं अवधि का क्षेत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण की अगर शिवराज भूषण की बात की जाएगी तो इनकी एक रचना थी शिवराज भूषण, शिवराज शिवराज, ठीक है, इसको शिवराज भूषण के अंतर्गत इन्होंने एक रचना लिखी थी, तो ये वीर गाथा काल के थे, ठीक है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, उत्साह को आपको बताना है, उत्साह किसका रस होता है, ठीक है। करुण का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है, ठीक है, हास का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है, ठीक है, रति, ठीक। और जो आप देखेंगे वीर का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कवितावली किसकी रचना है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे कविता, जितनी भी आपको वली 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 दिख जाए वो सब लगाइएगा सूरदास, अगर सूरदास की बात की जाएगा, ये सूरदास के अंतर्गत इनका जो जन्म हुआ था 1540 विक्रमी में हुआ था, ठीक है, विक्रमी के अंतर्गत ये याद रखिएगा 1540 विक्रमी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो सीही नामक स्थान पर हुआ था, सीही नामक स्थान पर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप कुछ चीजें और इनके बारे में जानिएगा, इनकी जो मृत्यु हुई वो पारसौली में हुई, ठीक है, कहाँ पर, पारसौली के अंतर्गत, ठीक, पारसौली में इनकी मृत्यु हुई। ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, अगर कभी भी पूछा जा सकता है वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, रस का सम्राट कौन है, तो वो माना जाता है सूरदास को, ठीक। इनके पिता का जो नाम था वो था रामदास, ठीक है, पिता का जो नाम था गाइज वो था रामदास। उसके बाद इनकी जो भाषा थी वो थी गाइज ब्रज। तो ये चीजें मैंने आपको पूरी सूरदास के बारे में बता दी, जायसी, तुलसीदास, घनानंद, ठीक है, ये सब। तो कवितावली, वली वली जहां भाई, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सब सूरदास की रचनाओं के अंतर्गत। सूरदास ने कुल 12 प्रामाणिक रचनाओं को लेकर जो 6 अवधि भाषा में लिखी गई थी और 6 किसमें, ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, अगर पहेलियां और मुखरियां की बात की जाए तो सबसे पहले 1253 में जन्म हुआ था
अमीर खुसरो का। यह लाचन जाति का तुर्क था, यह लाचन जाति का तुर्क था। इसका जो जन्म हुआ था वो कासगंज के एटा में हुआ था, कासगंज के एटा के अंतर्गत इसका हुआ था। ये लाचन जाति का तुर्क था, लाचन जाति का तुर्क था। सबसे पहले मुकरियां अगर लिखने का श्रेय जाता है तो जाता है खुसरो को, खुसरो को। लेकिन आधुनिक युग में मुकरियां लिखने का जो श्रेय जाता है, आधुनिक युग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में मुकरियां लिखने का श्रेय किसे जाता है, युग में मुकरियां लिखने का श्रेय तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा। तो ये जो लिखना था ये खुसरो ने लिखा था। ठीक है, इसने एक दोहा लिखा था, गोरी सोई सेठ पर मुख पर डाले केस। तो इसकी पृथक, और इसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सात सुल्तानों का काल देखा था और निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे और इसको नूर सिपह की उपाधि दी थी औलिया ने। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता रहे हैं, आपको जीएस के लिए भी काम देगी, हिंदी के लिए भी काम देगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताना टावर किसके अंतर्गत आता, मैंने आपको बताया है के टी एम दो। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, के टी एम दो। ठीक है, टा वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत देख लीजिए, टा वर्ग किसे बोला जाता है, मूर्धा से। कंठ ये हो जाएगा कंठ, ये हो जाएगा तालु, ये हो जाएगा मूर्धा, ये हो जाएगा दंत, ये हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत जो आएगा गाइस वो आएगा मूर्धा। ठीक, अंधेरी नगरी किस लेखक की रचना है, आपको बताना है अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। अगर इनके अंतर्गत बात की जाएगी अंधेरी नगरी के अंतर्गत, तो ये जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है गाइस, ये जो रचना है भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु की रचना। अगर इनके अंतर्गत बात किया जाए, इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1850 में हुआ था बनारस के अंतर्गत। ठीक, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी गाइज वो हुई थी 6 जनवरी 1885। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था गोपाल कृष्ण था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो उपाधि थी, अगर इनकी गाइज जो अगर बात किया जाएगा, इनका मूल नाम हरिश्चंद था, इनका जो मूल नाम था वो हरिश्चंद था, हरिश्चंद था। लेकिन जो भारतेंदु थी इनको उपाधि दी गई थी, इन्हीं को कहते हैं मून, मून ऑफ इंडिया कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, स्टार ऑफ इंडिया राजा शिव प्रसाद स्टार हिंद को कहा जाता है। इसीलिए भारतेंदु जो होता है भारत प्लस इंदु, इंदु जो होता है चंद्रमा की पर्यायवाची होती थी, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतेंदु। इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का अगर जन्मदाता कहा जाता है, हिंदी का जन्मदाता। ठीक है, तीन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा एक एक चीजों के अंतर्गत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अंधेरी नगरी इनके लेखक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, देखिए दो चीजों को मैं एग्जैक्ट आपको क्लियर कर देता हूँ छंद के अंतर्गत। एक होता है चौपाई, ठीक है, और एक होता है चौपाई, दोनों चीज आप लोग जान लीजिए। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती, लेकिन चौपाई के अंतर्गत जो होता है ये 15 मात्राएं होती। ये भी एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, ये भी एक सममात्रिक छंद है, लेकिन ये चौपाई से ये भिन्न है। इसके अंत में दीर्घ ही आता है, लेकिन इसके अंत में ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो जो चौपाई के अंतर्गत होती है 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, 24 मात्राएं रोला और कुंडलियां के आप लोग याद रखिए, आरके 24। ठीक है, 13 मात्राएं जो होती हैं दोहा और सोठा के, दोहा के अंतर्गत देखेंगे तो 13 और 11 की यत के साथ होती है, और सोठा जस्ट इसका उल्टा होता है। सोठा के पहले चरण में जो होती है 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं आपको बता दिया, आरके 24, रोला और कुंडलिया के अंतर्गत 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको कारक पढ़ा चुका हूं, बंदर पेड़ से कूदा। अगर आपको मैंने बताया है एक चीज फिक्स रहे और उससे दूसरी चीज अलग हो, एक चीज फिक्स होने के बाद अगर दूसरी चीज फिक्स होती है तो वहां पर जो होता है अपादान कारक होता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार का स्थायी भाव, इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है, तो अगर हास की बात करेंगे रति जो होता है क्रोध, क्रोध का जो स्थायी भाव होता है रौद्र होता है। ठीक है, क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो रौद्र होता है। ठीक है, और वीर का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, लेकिन रति जहां पर होती है प्रेम होता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक वियोग और एक होता है संयोग। ठीक है, जहां पर नायक व नायिका के मिलने का बात की जाए वहां पर होता सम प्लस योग, अर्थात मिलने की जहां पर बात की जाए वहां पर होता संयोग श्रृंगार,
वियोग जहाँ नायक व नायिका के बिछड़ने की बात की जाए वहां पर होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद आपको तद्भव शब्द बताना है, भ्रमर अग्नि। मैंने आपको तद्भव तत्सम की टिक बताई थी, जहां पर भी आपको आधे वर्ड दिख जाए जैसे ये रा आ गया, अग्नि आ गया, मस्तक आ गया, ये सब तत्सम है, लेकिन मछली जो होगा इसका बनेगा मत्स्य। ठीक, मत्स्य के अंतर्गत बनेगा गाइस, ये है तत्सम। ठीक है, अगर तद्भव पत्रिका की बात करें, आपके यहाँ से निकलती थी एक पत्रिका, अखिलेश तिवारी निकालते थे इसका, पत्रिका जो होती थी ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी, ये चीज अभी आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके अंतर्गत आप बताएंगे सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो सूर्य धन उदय में टूटकर सूर्योदय बन जाएगा। ठीक है, तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के, अर्थात बरछी और एक दूसरे बरछीने, अर्थात जब एक ही शब्द का दो अर्थ निकलने लगे तो वहां पर जो गाइज होता है यमक अलंक। अनु का मतलब होता है प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ड, जहां पर किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार होने लगे, ठीक है, वहां पर होता अनुप्रास। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ। और अनुप्रास की अगर बात की जाएगी, इसके होते हैं छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या, सुत्या। ठीक है, इसके पांच भेद होते हैं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, रूपक के तीन भेद होते हैं। ठीक है, रूपक के तीन भेद होते हैं। ये सब चीजें जो बता रहे हैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा एक एक चीजों को लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था। ठीक है, हिंदी प्रदीप के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, जो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ था 8 से 12 पृष्ठ की एक पत्रिका थी। ठीक है, ये 8 से 12 पृष्ठ की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। ठीक है, ये 33 वर्षों तक लगातार निकली इलाहाबाद से, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसके बीच में 3,000 रुपए का जुर्माना भी अंग्रेजों ने लगाया था, तो पत्रिका पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात की जाए हिंदी प्रदीप के अंतर्गत, तो ये जो पत्रिका थी वो थी गाइस बालकृष्ण भट्ट की, और ये जो निकलती थी 1877 में इसका पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट जो था हिंदी प्रदीप के इसके अंतर्गत आता। फिर पूछा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, जहां भी आपको मिल जाए नहीं, वहां पर एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, जहां भी आपको मिलेगा नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, लेकिन वृत्त और विकास इनकी रचना नहीं है गाइस। ठीक है, उसके बाद बताना यथाशक्ति में, जहां पर मैंने बताया कि अगर किसी वर्ड के अंतर्गत यथा, भर, अनु, बे, उन, ये सब जहां पर भी वर्ड आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मैंने बताया कि वो वर्ड मधुकर भंवरा। ठीक है, भ्रमर का भंवरा बनता है, तो जो इसका हो जाएगा गाइस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मुद्री। ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, मुद्री का अगर आप तत्सम रूप बनाएंगे तो होगा मुद्रिका, जैसे आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में प्रभ मुद्रिका मेल मुखमाही। ठीक है, तो मुद्रिका जो होता है मुद्रिका बनता है। ठीक है, मृगावती। अच्छा, मृग कहाँ रहता है, अगर आपको ये रचना नहीं तैयार हो रही है तो आप इस तरह याद करिए, मृग कहाँ रहता है, मृग रहता है वन में। मृग कहाँ रहता है, वन में, तो आप देखिए वन कहाँ लिखा है, तो कुतुबन की रचना हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद परमाल रासो किसकी रचना है। ठीक है, ये 13वीं सदी की रचना है, 13वीं सदी की रचना है। ठीक है, 13वीं सदी की ये रचना है, इसको लिखा था जगनिक ने। ठीक है, दुनहिन गांव में मंगल चार, हमारे घर आए राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां है, तो कभी कभी आपको सीधे पंक्तियां देकर पूछ लिया जाता है, तो ये जो गाइस पंक्तियां, ये कबीरदास के अंतर्गत लिखी गई पंक्तियां हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, जहां पर समझाने वाला सो समझिएगा। उसके बाद आदि काल के लिए वीर गाथा काल किसने दिया था, अगर उसके बाद सभी ने अलग अलग नामकरण किया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत एक रामचंद्र शुक्ल हुए थे जो आदि काल को वीर गाथा काल किए थे। बीज वपन काल अगर पूछ ले, बीज वपन काल, ठीक है, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा था, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको शुद्ध बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड शुद्ध लिखा है, तो आप लिखेंगे अंतर। अब उसके बाद राष्ट्रीय में रा ऊपर जाएगा, देखिए राष्ट्रीय तो आप इसी तरह लिखते हैं ना, राष्ट्रीय आप इसी तरह, देखिए अंतरराष्ट्रीय लिखना है, तो अब ये वाला जो रा होगा ये गाइस अगले पर लोप कर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा अंतर, अब यहाँ से जुड़ेगा राष्ट्रीय लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, इसके अंतर्गत यहाँ पर वर्ड जोड़िएगा तो अंतरराष्ट्रीय ये वाला सही हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात आपकी ऐसी स्थिति बन जाना कि आपको इसी को कहते हैं चौकड़ी ना समझ में आना। ठीक है, अर्थात दोनों तरफ से मुसीबत की स्थिति बन जाना,
उसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर मुसीबत ही मुसीबत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का रखते हैं रामचरितमानस की भाषा क्या है। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, रामचरितमानस जो लिखा गया था गाइस 26 और 27 दिन में, मतलब 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया था। इसके जो रचनाकार थे वो तुलसीदास थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और रामचरित की जो रस अगर की बात की जाए तो उसमें शांत रस का उल्लेख मिलता है, अर्थात ओवरऑल कभी आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस का रस कौन सा है तो आप बताएंगे शांत रस है। ये लिखा किस भाषा में गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, राम राम के बारे में बताया गया है तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया है रामचरितमानस को, तो ये चीजें आपको एक एक पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उत्कर्ष का विलोम बताना है, तो उत का जो विलोम होगा अप के अंतर्गत, ठीक है, उत्कर्ष का जो विलोम होगा होगा अपकर्ष। आदंत कादंबरी के संपादक, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पहले भी कराया था। ये जो पत्रिका निकलती थी ये मिर्जापुर से निकलती थी, 1881 में इसका प्रकाशन प्रथम बार हुआ था, ये मिर्जापुर से निकलती थी, इसको निकालते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो गाइस इस तरह आप लोगों का 2015 का मैंने पूरी तरह से पेपर को समाप्त किया। तो आज के लिए रखते हैं गाइस इतना ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों और अपनों को जोड़ें। तो यूपी टेट की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, 2014 का यूपी टेट का पेपर है, तो आप लोग उसको देखते हैं, जो भी मैंने अभी तक जितने भी पेपर कराए हुए हैं तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंठस्थ करिए पूरे मनोयोग से। तो अब क्वेश्चन नंबर जो आज का स्टार्ट किया जाएगा, 2014 का पेपर है, आप लोगों को पूरे मनोयोग से देखना है। तो क्वेश्चन आपका पहला ये रहा, अगर बात किया जाए बीजक किसकी रचना है, बीजक जो रचना है सबसे पहले आप जानेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर दास का जो जन्म हुआ था 1398 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है, और कबीर दास का जो जन्म हुआ वो वाराणसी में हुआ, ठीक है, कहाँ पर, वाराणसी के अंतर्गत। और इनकी जो ये जन्म स्थली थी, ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई गई वो हुई थी मगहर में, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताया गया है। कबीर ने कई रचनाओं को लिखा था, साखी, सबद, रमैनी, इन सब को मिलाकर एक बीजक की रचना की थी। बीजक का जो संकलन किया था वो धर्मदास ने किया था, धर्मदास ने किया था, ठीक, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये कबीरदास की रचना है, ठीक। शोक किसका स्थायी भाव होता है, ठीक है, शांत जो होता है वो निर्वेद का होता है, ठीक है, हास का हास होता है, वीर का उत्साह होता है, और करुण का जो होता है शोक। देखिए करुण में अंतर, जो शांत और करुण में जो अंतर है, करुण रस के अंतर्गत जो कोई चीज आपसे बिछड़ जाएगी वो हमेशा के लिए बिछड़ जाती है, वहां पर करुण रस होता है, लेकिन निर्वेद में प्राप्ति होने की आशंका होती है। जिसे कहते हैं शोक विकल सब रोवे हिरानी, अरूप सील बज तेज बखानी, अकर ही बिलाप अनेक प्रकारा, अपर ही भूम तल बारे बारा। यहाँ पर जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो रानियां उनके वियोग में रोती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर करुण रस की बात की जाती है, अर्थात किसी प्रिय वस्तु को हमेशा के चले जाने का जो शोक होता है उस वहां पर करुण रस होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि सूर सागर, ठीक, सूर सागर किस भाषा में लिखी गई रचना। सूरदास का जन्म बताया था मैंने सीही आगरा में हुआ था, ठीक, आगरा के अंतर्गत हुआ था, और इनकी जो सूर सागर थी वो ब्रज भाषा के अंतर्गत। इन्होंने कुल 12 प्रामाणिक रचनाओं को लिखा था, 6 लिखा था अवधि के अंतर्गत, 6 लिखा ब्रज के अंतर्गत, ठीक है, 6 अवधि और 6 ब्रज, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोहे में कितनी मात्रा होती, तो सबसे पहले आप देखेंगे 13, अब 13 है नहीं ऑप्शन में, ठीक, लेकिन आपको देखना है दोहा, दोहे के अंतर्गत आप देखेंगे दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बात किया जाएंगे, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इनको अगर 13 प्लस आपने 11 किया तो बनेंगी 24 मात्राएं, ठीक है। और शिल्पगत दोहे का जो उल्टा होगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए दोहे का उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होगा, तो आप लगाएंगे गाइस सोरठा, जस्ट इसका उल्टा होता है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा
दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। 24 मात्राएं देखिए, चौपाई में जो मात्राएं होती हैं, चौपाई चौपाई रोला गीतिका हर गीतिका, ठीक है ठीक है। चौपाई के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका में 28 मात्राएं। तो 26 मात्राएं कितनी है गीतिका में, गीतिका के अंतर्गत आपको मैंने बताया सबके अंतर्गत, ठीक है। तो आपको इन चीजों को पूरी तरह से कंठस्थ करना, मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में सब में बता दिया, ठीक है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन, कृपण, अर्थात जिसे कहते हैं कंजूस व्यक्ति, कंजूस, ठीक है, कृपण कंजूस को बुलाता है, ठीक है। धनी का जो विलोम होता है इसका निर्धन बना सकते हैं, विलोम जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप दाता का विलोम बताएंगे, स्त्रीलिंग बताना है, तो ता का जो परिवर्तन होता है त्रा में होता है, दाता का जो बनेगा गाइज वो दात्री बन जाएगा, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, मैंने आपको कई बार बताया कारक चिन्ह के अंतर्गत, कारक जो होता है, कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कुल, अगर कारक चिन्ह जो होते हैं 8, लेकिन अगर कभी आपको पूछा जाए किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार तो होते 6, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बात किया जाए तो हमने बताया था अपादान और संप्रदान, कर्म अधिकरण, अधिकरण में जहाँ पर होता है में पर का बोध कराता है, कर्म में कर्ता ने कर्म को का बोध कराता है, संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अपादान में अलगाव की बोध, मैंने बताया था अपादान कारक पहचानने के लिए कि एक चीज फिक्स होती है और दूसरी उससे क्या होती है अलग होती है। जैसे लड़का पेड़ से गिरता तो पेड़ क्या है स्थिर है, लेकिन लड़का उससे अलग हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। पापी में कौन सा विशेषण है, अच्छा अगर आपको विशेषण पहचानना तो पापी व्यक्ति लिख लीजिए, ठीक है। तो व्यक्ति के गुणों का बोध आपको करा रहा है कि व्यक्ति कैसा है, पापी है, अच्छा है, खराब है, तो एक गुणवाचक के, गुणवाचक के साथ भेद बताए गए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए परिमाणवाचक के अंतर्गत जहाँ नाप तौल की बात की जाएगी वहाँ परिमाणवाचक होगा, संज्ञा से पहले उचित सर्वनाम का प्रयोग का, और संख्यावाचक जहाँ पहला दूसरा, ठीक है, और संख्यावाचक में 1, 2, 3 ये सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी का कल कांति थी, हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह के वर्ड मिले तो आप एक कीवर्ड को पहचानने का प्रयास करिएगा। जहां पर आपको दिखेगा सा सी से सरी सम इस तरह के वर्ड दिख जाए वहां पर जो होगा, अगर जन जानो, देखिए जनु जानो मनु मानो, ठीक है, इसमें सब में होगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। अगर सा सी से सरिस सम इस तरह के अगर वर्ड आ जाएंगे तो उसमें जो गाइज होगा उपमा अलंकार आ जाएगा, ठीक है। और श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ, ठीक है, जो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। उसके बाद अगर समास की बात करेंगे आप, समास के अंतर्गत समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किसी जैसे आपने लिखा राजा का पुत्र, उसके बाद जैसे आपने लिखा राजा का महल, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं राज महल, तो इसके अंतर्गत देखेंगे इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। संकर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर। संकर के अंतर्गत जैसे मैंने बताया था आपको रेलगाड़ी, तो रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, छायादार तो छाया अलग भाषा का शब्द है, दार अलग भाषा का शब्द है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर जो बनता है तो इसे बोलते हैं संकर शब्द। सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुत में आप आ जोड़ देंगे बनेगा सुता, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक। उसके बाद नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का मतलब होता है ये होता अत्यधिक प्रिय होना, ये है मुहावरा। जिन वर्णों के अंत में ना आए वो होता है मुहावरा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है।
उसके बाद लिखा है अस का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है, भी होता है, तुरंग भी होता है, बाज भी होता है, अश्व भी होता है, ठीक है, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कटक जो होता है वो सेना का पर्यायवाची होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है जो एक स्थान पर टिका न रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? अस्थिर, अडिग, अडिग का मतलब है जो अपने स्थान पर स्थिर, गतिशील का मतलब होता है चलायमान, अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर न रहे, यायावर का मतलब होता है यायावर जीवन, आपने देखा होगा खानाबदोश जीवन या यायावर जीवन के अंतर्गत जो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बराबर घूमता टहलता रहता है उसे बोलते हैं यायावर, ठीक। उसके बाद आपको देखना 46 नंबर, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सभी लोगों को पता है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ठीक। नाम राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था कोइरीपुर में हुआ था, कोइरी कोइरीपुर के अंतर्गत हुआ था, ठीक। अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, ठीक, नाटक शिक्षक में कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग होता है, शिक्षक एवं बच्चों का सामर्थ्य, ठीक, पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आना, तो सबसे जो उपयुक्त आप देखेंगे बच्चों पर विपरीत प्रभाव, बच्चों पर कभी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये खत्म हो गया, ठीक। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होना नहीं, यहाँ पर जब आप किसी को कक्षा अभिनय कराएंगे तो समय व्यर्थ नहीं, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तो इसका जो शुद्ध आंसर आंसर होगा 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 48 नंबर क्वेश्चन देखना है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान उसका निदान, बच्चों का व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों को खेल कर सुनाई, तो सबसे जो उपयुक्त होगा गाइस 48 का होगा ए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक नहीं है, ठीक है। कौशल के अंतर्गत क्या किया जाता है, सुनना भी होता है, बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, लेकिन हंसना भी, हंसना नहीं होता, ठीक। अगर आप बात करेंगे हिंदी दिवस के अंतर्गत, तो जो हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया, और संस्कृत दिवस आप देख लीजिए, संस्कृत दिवस अगर जो होता हो होता 22 अगस्त के दिन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस जो गाइज मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और पहली बार 1975 में नागपुर के अंतर्गत मनाया गया था, ठीक है। अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 14 दिसंबर को जो मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 26 को आप सभी लोगों को पता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ये नहीं होता। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं होता। संगीत में कला में निपुण बनाना, ये भी नहीं। रसानुभूति एवं आनंद भूति कराना, ठीक। तो काव्य शिक्षण का जो है कि आप उसे अनुभूत करा ले जाएं, ठीक है, तो ये काव्य शिक्षण के अंतर्गत गाई जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया, ठीक है। राम जाता है नहीं, सीताफल खाती है नहीं, राम की गाय काली है, गाय की विशेषता को जब आपको बता, गाय कैसी है, काली है, तो गाय की जब विशेषता बताने लगा तो 52 का जो गाय बनेगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि, तो पुनः प्लस जन्म में टूटकर विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगी। संधि में सदा दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, ठीक, इसके अंतर्गत अगर देखेंगे। इसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है में पर, वाहन ऋण, वाहन पर ऋण, ऋण का मतलब होता है सवार होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत 54 का ए, ठीक। अगर आपको कहेंगे इनमें से कौन सा रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, इसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम, ठीक है। वीर का उत्साह, हास का हास होता है, तो जो होगा गाइस 55 का ए पूरी तरह से सही जाएगा, ठीक। घनानंद
को किस युग का कवि माना जाता है? ठीक, घनानंद को जो गाइज माना जाता है, ये रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है? ये कई बार क्वेश्चन कराए हैं। आशीर्वाद बनता है, क्वेश्चन नंबर जो 57 का है वो सी सही बनेगा। को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि के अधिकरण में पर संबोधन है अरे का प्रयोग। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मैंने कई बार बताया था कितनी नाव में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनका जो नाम था वो अज्ञेय था। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, कवि बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कवि बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? दोहों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज इस तरह मैंने 2014 का प्रश्न पेपर पूरा कर लिया है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए रखते हैं इतना, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो गाइज, तो आज यूपीटेट 2013 का हम देखते हैं पेपर हिंदी का, जो आपको विगत वर्षों में आए हुए थे पेपर, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 2013 का पेपर। तो जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा, अगर बात करते हैं, पहला मुहावरा पूछा गया है कपटी मित्र। कपटी मित्र का जो सही अर्थ होता है दांत की रोटी, मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। दांत कटी रोनी का रोटी का मतलब होता है घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, अक्ल का दुम, ठीक है। जो इसका अर्थ हो, आंसर होगा वो होगा बी वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, तो जीतने का मतलब यहाँ होगा वो जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, दूरदर्शी, जो दूर का सोचने वाला हो। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद संधि के अंतर्गत बात करेंगे, संधि कौन सी होगी? पवन के अंतर्गत। दो चीजों को यहाँ देखिएगा, पवन और पावन। ठीक है, अगर पवन में पूछेगा तो पो प्लस अन में टूट कर टूटेगा पवन, और यहाँ पावन पूछ लेगा तो प प्लस अन में टूटकर बनेगा पावन। इन दोनों वर्ड को याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो प प्लस अन के अंतर्गत जो बनेगी अयादि संधि, अयादि संधि के अंतर्गत आएगी स्वर संधि में, स्वर संधि में। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनः प्लस जन्म में टूट कर बनेगा पुनर्जन्म। अब आप बात करेंगे इत्यादि के अंतर्गत, मैंने आपसे बताया था किसी भी, देखिए आपको अगर संधि नहीं पता है तो आप इसको पहले, वृद्ध में कहीं पर डबल मात्राएं नहीं होंगी। ठीक है, मात्रा अगर होंगी तो वहां वृद्ध संधि होगी, गुण में जहां एक मात्रा होगी वहां होगी, दीर्घ के अंतर्गत जहां बड़ा वा का बात करेगा, लेकिन य र ल व से पहले कोई आधा वर्ड आ जाए तो वहां पर होता है यण संधि के अंतर्गत। ठीक है, नाक रगड़ना उसे बोलते हैं, मुहावरा है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द, मैं आपको बता दूं। नाक रगड़ना मतलब नाक में चोट लगाना, इज्जत देना, ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। ठीक, तो अगर नाक रगड़ने का जो शाब्दिक अर्थ होगा मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना, विलोम, विलोम देखना है, उन्मूलन का विलोम, उत्थान का विलोम होता है, उत्थान का पतन, अपकर्ष, उत्कर्ष का बनेगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक, अपकर्ष बन जाएगा, उन्मूलन का रोपण बनेगा, औन्नत उन्नति का बनेगा औन्नत। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? चार्ण काल कहा था ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन ने। ठीक है, उसके वीर काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद वीज वपन कहा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद अतिसुधव द्विवेदी युग में आदिकाल को किसे संज्ञा दी जाती है? अतिसुधव की जो संज्ञा दी जाती है गाइज, वो किसे दी जाती है? तो उसे कहा जाता है घनानंद को। ठीक है, घनानंद को कहा जाता है। कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो सरस्वती का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो वागीस, गिरा, ठीक है, सरस्वती, वाकदेवी भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत गंगा का पर्यायवाची देखेंगे, यमुना का कालिंदी होता है। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास को माना जाता है। ठीक है, श्याम सुंदर दास को पहले, प्रथम हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है, हालावादी कवि। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी, कलाधर, कलाधर भी कहा जाता है। कार्य के, अगला क्वेश्चन देखना है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको कहते हैं सिर मुला
मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगर किसी काम को आपने प्रारंभ किया वो तुरंत बाधा पड़ जाए उसे कहते हैं कार्य प्रारंभ पर पड़ते ही ओले पड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ठीक है, कवियों को कवि अगर बात की जाए, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बात का कवि या मोड्स का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तिहिं लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां? तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे ज्यादा अगर किसी ने बात की अगर दशरथ के बारे में, तो आप इसमें से ऑप्शन काट कर, कबीर ने कुछ ऐसा बात की नहीं थी, केशव ने ऐसी कोई बात की नहीं, सूरदास ने नहीं की, तो सबसे ज्यादा अगर लिखना था तो रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास ने। रामचरितमानस में कुल है सर्ग सात, ठीक है, या खंड भी बोला जाता है, कुल भाग या बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सात भाग हो गए, उसके बाद 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया था रामचरितमानस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, हिंदी का पहला पत्र कौन सा पत्र है? ठीक है, अगर हिंदी का पहला पत्र की अगर बात की जाएंगी, पहले पत्र के अंतर्गत देखा जाएगा, ये निकलता था कलकत्ता से 30 मई 1826 के अंतर्गत ये कलकत्ता से निकाला जाता था। ठीक है, उसके बाद ये साप्ताहिक पाक्षिक निकलता था, और इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो मार्दंड उद्दंड निकाला जाता था, पंडित जुगल किशोर के द्वारा निकाला जाता था, किशोर के अंतर्गत इसको निकाला जाता था, तो इसका प्रयोग। ठीक, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि की अगर बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। ठीक, उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी 1883 के अंतर्गत श्याम सुंदर दास ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक, ये ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की है। ठीक है, प्रेम में आदमी क्या हो जाता है? लल्लू हो जाता है। ठीक, तो प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल की है। नचिकेतोपाख्यान, पाख्यान जो है सदन लाल की है ये क्वेश्चन। ठीक है, भाषा योग जो पुस्तक है रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा की अगर बात की जाए, संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, ये 3 होते हैं। उसके अंतर्गत आप बात करेंगे फिर उस तरह, अगर पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते सामान्यतः, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ये होती हैं 5। सबको आपके बारे में डिटेल से जानकारी बता गई। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आप कोई वर्ड को लिखिए, जैसे मान लीजिए राम एक लड़का है। ठीक, तो आप जो इसको लड़का को अगर लड़की करेंगे तो लिंग का जो निर्धारण हो रहा है गाय, जो किसके आधार पर हो रहा है? संज्ञा के आधार पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कारक के कितने भेद होता है? कारक का जो दूसरा नाम होता है, कारक का अगर दूसरा नाम पूछा जाएगा, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है, इनकी संज्ञा आत होती है। लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक चिन्ह कितने होते हैं? किशोरीदास के अनुसार, ठीक है, तो कारक चिन्ह 6 होते हैं। कारक का दूसरा अर्थ जो होता है उसे कहते हैं परसर्ग। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था घ का उच्चार स्थान, तो आप याद रखिएगा केटीएम 2, केटीएम कंठ ताल मूर्धा दंत दंत ओष्ठ। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये वर्ग के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25, तो इसको अंतर्गत एक कंठ से बोला जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको बताना है छ का उच्चारण स्थान किसे बना है? तो छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये सब देख लीजिए, ये संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात करेंगे तो का प्लस सा से बनेगा, ये बनेगा त प्लस र से, ये बनेगा ज प्लस इया से, और ये बनेगा सा प्लस र से। एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस,
अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड दे दिया, इसका योग है ऑप्शन में अगर दे दिया क प्लस स प्लस अ, तो ये भी सही हो सकता है अगर ये ऑप्शन न दिया हो तो। अगर ये ऑप्शन दिया तो सबसे पहले इसको प्रिफर करेंगे, अगर ये ऑप्शन न देकर अगर इस तरह तोड़ दे रहा क प्लस स, इससे विसर्ग निकाल को अ को दे दिया, तो ये भी पूरी तरह से इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं पे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है वर्तनी की दृश्य शुद्ध का चयन कीजिए। ठीक है, अस्पर्शता लिखा जाता, स्पर्शता आप लिखते हैं, ठीक है, उसमें आ जोड़ दीजिए तो ये बनता है अस्पर्शता, तो इसमें सी और डी दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखना कवि का स्त्रीलिंग, अगर कवि का आप स्त्रीलिंग बनाएंगे कवि का स्त्रीलिंग तो बनेगा कवयित्री। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग बनता है दात्री, नेता का जो स्त्रीलिंग बनता है नेत्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा कब इत्री लिखा जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला सही। उसके बाद तरड़ी और तरड़ी दो वर्ड आपको देख लीजिएगा, एक होता है तरड़ी और क्या होता है तरड़ी, जब मात्रा इधर से लगी तो उसका अर्थ सूर्य और दूसरे का अर्थ होता है नदी या नाव। ठीक, जो भी हो। ठीक, तो इसके बाद तरड़ी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो सुन, मीन का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, मीन का पर्यायवाची हम मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य जो होता है मछली का पर्यायवाची के अंतर्गत है, विभावरी जो होती है, विभावरी बोला जाता है रात को। ठीक है, तारों से भरी रात को बोला जाता है विभावरी। उसके बाद दिए गए भिन्न अर्थ को बताना है, आत्मजा नंदनी भार्या कन्या, ये सब लड़कियों को बोला जाता है लेकिन जो शादी शुदा हो जाती है उन्हें बोला जाता है भार्या। इसका जो होता है इसी को कहते हैं पत्नी, कलत्र, स्त्री। ठीक है, अर्धांगिनी, तो ये सब इनको बोला जाता है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है, अनुपम का पर्यायवाची जो गाइज बनेगा वो बनेगा स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिक। पार्थिक का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, स्वर्ग का मतलब जो स्वर्ग को चला गया उसे बोलते हैं स्वर्गीय, लोक का मतलब जिसका संबंध लोक से हो मतलब जगत से हो, अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। उसके बाद कान का कच्चा होना, इसको बोला जाएगा कान का कच्चा होना, इसका मतलब जो होगा सुनी बात पर विश्वास कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों का 2013 का पूरी तरह से पेपर अब कंप्लीट हो गया है, आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद। ठीक, हेलो गाइज, तो आज हम देखते हैं 2011 का यूपी टेट का पेपर, आज अंतिम पेपर आप लोगों का है पूरी तरह से, तो इसको देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, अपमान में उपसर्ग कौन सा होगा। ठीक है, उपसर्ग के अंतर्गत बात की जाएगी, उप का मतलब होता है असर्ग, उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है रचना, अर्थात जो तो समीप वर्डों से रचना की जाए उसे बोलते हैं उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग होते हैं 13, इंग्लिश में होते हैं 8, अरबी और फारसी में होते हैं 19। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। मान, मान में आपने जोड़ दिया अप, ठीक, तो अपमान हो जाएगा। दुरावस्था में आपको दो चीज यहीं से पूछा गया, दुरावस्था में, तो दुर धन अवस्था में तोड़कर आप बनाएंगे दुरावस्था बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक, पराजय में कौन सा है। ठीक है, आप जय पढ़े हैं, जय में आप परा जोड़ दिए, परा प्लस जय बराबर पराजय बन जाएगा, तो परा उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, दिग समास का उदाहरण है, दिग में देखिए दिग तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, दिग दिग का मतलब होता है जहां पर आपकी गिनती से होता है। ठीक है, द्वंद में दो देखिए, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद बहुव्रीहि, ये होते हैं मुख्य रूप से चार समास। इसका होता है प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद, इसका होता है उत्तर पद, उसके बाद इसमें होता है द्वंद में दोनों, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, दिगु का मतलब होता है जहां से आपको गिनती उनती दिखाई दे, माता और पिता में द्वंद समास हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास लिख दीजिए, नवग्रह के अंतर्गत आएगा दिगु समास। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है, तो हिंदी का जो भी विकास हुआ गाइज वो देवनागरी लिपि से हुआ। हिंदी सबसे पहले भारत के अंतर्गत गुजरात में खोजी गई थी, और ये जयभट्ट के शिलालेखों में 8वीं सदी में जयभट्ट के
शिलालेखों में 8वीं सदी में इसका प्रयोग मिलता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और गुरमुखी होती पंजाबी की, ठीक। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6, अगर पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम, तो कुल सर्वनाम के अंतर्गत गाइस जो बात करेंगे, कुल सर्वनाम होते 11, ठीक है। उसके बाद आपको देना है कि अगला क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच कौन सा चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। देखिए उद्धरण चिन्ह होता है दो प्रकार का, योजक का मतलब होता है जोड़ने के लिए, ठीक है, उसका इसका प्रयोग है। उद्धरण जो होता है वो एकहरा उद्धरण होता है और दोहरा उद्धरण होता है, ठीक है। एकहरा ये हो गया, दोहरा, अगर किसी व्यक्ति की कही गई पंक्ति को किसी भी व्यक्ति को कहे गए नारे को सेम रखना होता है, तो उसका प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। जैसे कहा महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा, जैसे जो भी नारा उन्होंने दिया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, इस तरह के जितने भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा कहे गए किसी भी नारे के अंतर्गत, तो उसका प्रयोग किया जाता है। उद्धरण का योजक का मतलब होता है जोड़ने के लिए, और विस्मय का मतलब होता है इसका सिंबल इस तरह बनाया जाता है, मतलब किसी आश्चर्य, हर्ष, भेद, शोक आदि को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक का चिन्ह, अल्प विराम का जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो इस तरह प्रयोग किया जाता है, जहां पर थोड़े समय के लिए, और अर्ध विराम का प्रयोग जो किया जाता है वो इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो यह योजक चिन्ह के अंदर, यह साड़ी नई है, नई बताना है, तो साड़ी की विशेषता को बताने का काम कर रहा है कि यह साड़ी कैसी है। तो यहां पर विशेषण, विशेषण के जो होते हैं गाइज, चार भेद होते हैं, और तुलना के आधार पर तीन प्रकार के, ठीक, विशेषण के भेद होते। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए अगला, तत्सम शब्द बताना है। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, अर्थात जो वर्ड संस्कृत से लिए गए उन्हें बोलते हैं तत्सम, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आम जो बनेगा दुग्ध का बनेगा, दूध का बन जाएगा दुग्ध, ठीक है। खिड़की देश शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तद्भव के अंतर्गत मुह, इसको बोला जाता है मुख, ठीक है, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य के अंतर्गत सूर्य के जितने भी पर्यायवाची होते हैं सब में जा जोड़ देंगे, जितने भी सूर्य के पर्यायवाची आए, सूर्य के पर्यायवाची में अगर आप जा जोड़ देंगे तो बन जाएगा यमुना का पर्यायवाची। जैसे अर्क होता है सूर्य का पर्यायवाची, अर्क में आप जा जोड़ देंगे बन जाएगा यमुना का पर्यायवाची। जैसे आपने लिखा रवि, रवि में प्लस जा जोड़ देंगे बनेगा रविजा, ये भी बन जाएगा उसका पर्यायवाची के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज के अंतर्गत आप देखेंगे तो यामिनी जो होती है रात का पर्यायवाची होता है। आप इसके अंतर्गत देखेंगे मनोरथ का संधि विच्छेद करना है तो मनह प्लस रथ में टूट कर बनेगा मनोरथ, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्याधन अर्थी, आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है, ठीक। तो यहां से बड़ा और यहां से बड़ा मिलकर बड़ा का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज बनेगा छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। दिग्भ्रम के अंतर्गत तोड़ेंगे, दिक् प्लस भ्रम के अंतर्गत टूट जाएगा, तो दिग्भ्रम पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, दिग्भ्रम बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप रखिएगा, तो ये व्यंजन के अंतर्गत आएगा गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना 45, बिल्ली छत से कूजी में कौन सा कारक होगा, आपके अंतर्गत बताना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब एक चीज स्थिर होती है और दूसरी चीज उससे अलग होती है तो उसमें होता है कारक के अंतर्गत, तो यहाँ जो होगा अपादान कारक होगा, अलगाव की भावना होती है, अपादान कारक होता है, ठीक। उसके बाद युद्ध में स्थिर रहने वाले को गाइज बोलते हैं युधिष्ठिर, ठीक। उसके बाद शैव किसे कहते हैं, जो शिव का उपासक होता है उसे बोलते हैं शैव, जो विष्णु का उपासक उसे बोलते हैं वैष्णव, ठीक है। जो किसी का, जो शक्ति का उपासक उसे शाक्य बोला जाता है, शाक्य, ठीक है। जो शिव का उपासक उसे बोला जाता है सयो, ठीक है। वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। मृतभाषी का मतलब होता है जो मीठा बोलता है, ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो जो बहुत अधिक बोलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वाचाल, ठीक है। राम धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे तेज तेज, जहां पर अनुकरणात्मक क्रिया आ जाए, दो दो बार आ जाए, वहां होता क्रिया विशेषण। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है, तो लिखने की जो विशेषता गाइज बता रही है वो धीरे धीरे बताया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कौन सा वर्तनी की तरह से अनुसंगिक शुद्ध लिखा जाता है। जैसे आप लिखेंगे अनुसंगिक, ठीक है, संगिक के अंतर्गत लिखा जाएगा अनुसंगिक, जो होगा पहला सही,
ठीक, क्वेश्चन नंबर देखना है, अंत्याक्षरी कौन सा शुद्ध लिखा है, तो ठीक है आप लिखेंगे अंत जैसे लिखते हैं अंत, ठीक यहाँ तक या जोड़ देंगे छरी जोड़ देंगे तो बनेगा अंताक्षरी, जोगा जोगा बी वाला सही। सुषमा कैसे शुद्ध लिखा जाता है, सुषमा शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, एक वर्ड था शुश्रूषा, सु एक चीज यहाँ लिखिएगा शुश्रूषा शुद्ध ऐसे लिखा है, मतलब होता है दीन दुखियों की सेवा करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो तो तीन वर्ड देख लिया, आशीर्वाद ठीक है, ज्योत्सना इसके अंतर्गत, और देखेंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति शुद्ध ये सब लिखे जा रहे हैं, उज्ज्वल श्रृंगार ठीक है, ये सब वर्ड शुद्ध लिखे गए, तो आप जिसको लिख लीजिएगा सभी वर्ड जो शुद्ध लिखाए गए। ठीक है आपको बताना इनमें से कौन सा प्रत्यय है, ठीक है हमने आपको बता दिया, कृत प्रत्ययों की संख्या आप जान लीजिए, जो हिंदी में कृत प्रत्यय होते हैं गाइज, कृत प्रत्ययों की संख्या जो होती है वो 42 होती है। ठीक, घूम में मूल शब्द, घूम में आपने अक्कड़ जोड़ दिया, घूम मूल शब्द है, घूम ने आपने अक्कड़ जोड़ दिया तो बनेगा घूम मूल शब्द में अक्कड़ जोड़ दिया तो घुमक्कड़ बनेगा। डिब्बा में आपने ईया जोड़ दिया, जिधर से मात्रा बना है तो डिब्बा में आपने ईया प्रत्यय जोड़ दिया तो बना क्या, डिबिया। ठीक है डिब्बा में आपने ईया प्रत्यय जोड़ दिया तो बना डिबिया। क्वेश्चन नंबर देखना है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय, भिक्षा प्लस उक जोड़कर, भिक्षा में आपने जोड़ दिया उक प्रत्यय के अंतर्गत तो ये बनेगा गाइज भिक्षुक, ठीक उक प्रत्यय होगा। उसके बाद आपको देखना बादल का पर्यायवाची है, देखिए दो चीजें होता है द, एक होता है दी धी और एक होता है, जहां भी आपको द का बोध कराया जाए वहां का मतलब होता है देने योग्य। जैसे आप बताया नीर का मतलब होता है पानी, द का मतलब होता है देना, अर्थात जो पानी को देता है उसे क्या बोलते हैं, नीरज। ठीक है और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अगर होता नीरज तो नीर का मतलब पानी, ज का मतलब होता उत्पन्न होने के लिए, तो ज का मतलब जो बनेगा गाइज वो बन जाएगा कमल। और धी का मतलब होता है धारण करने, नीरज ही होता तो नीर का मतलब पानी, धी का मतलब होता धारण करने वाला, तो ये जो आएगा इसका अर्थ होगा धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है इसका मतलब होगा जन्म लेने वाला, ठीक है द का मतलब होता देने वाला, देने वाला ठीक, तो बनेगा नीरज, सॉरी नीरद, द का मतलब देने वाला। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद आह, आप आ गए तो इसका मतलब होता आह में कैसा शब्द है, आह अव्यय के शब्द, अव्यय के अंतर्गत बात किया जाएगा, अव्यय के होते हैं चार भेद, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ठीक ये चीजें होती। ठीक और उसके बाद अव्यय हो गया, विशेषण के चार भेद होते हैं, सर्वनाम के छह भेद होते हैं, संज्ञा के पांच भेद होते हैं, आप सब लोग जानते रहिएगा। ठीक अब आपको बताना है प्यास, प्यास कैसा शब्द, प्यास लगा है ठीक है, प्यास जो इलायची, और एक बात और जानिए जितने, ठीक आपको जितनी भी इकारांत संज्ञाएं मिल जाए ठीक है वो प्रायः पुल्लिंग होती है, लेकिन आप देखेंगे प्यास अच्छी प्यास, खराब प्यास, इलायची ये भी है, लेकिन नदी ये भी है, पानी अच्छा पानी अच्छी पानी नहीं होता, तो पानी वर्ड पुल्लिंग है ये याद रखिएगा। और इकारांत संज्ञा जैसे मोती, पानी, दही, ये इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे ठीक है गाइस, तो यह है पुल्लिंग वर्ड। ठीक उसके बाद आपको देखना पवन में कौन सी संधि है, पवन और पावन दोनों वर्ड जानिएगा, पवन और पावन, पो प्लस अन में गाई टूटेगा, यहां टूटेगा पव प्लस अन के अंतर्गत पावन, इसी तरह होता श्रवण, श्रो प्लस अन के अंतर्गत टूटेगा श्रवण, एक होता है श्रावण, तो श्रो श्रव प्लस अन में टूटकर श्रावण बनेगा। तो इस तरह गाइज आप लोगों की पूरी श्रृंखला मैंने पूरी कर दी ठीक है, पो प्लस अन के अंतर्गत टूटकर पवन बनेगा। तो अब आप लोग को काम है नियमित रूप से वीडियो को देखें, सराहें अपना और अपना प्यार दे चैनल को। तो इसी के साथ मैंने पूरी तरह से श्रृंखला पूरी की, तो आप लोगों का अब काम है नियमित रूप से कंठस्थ करें, एग्जाम के प्रति तत्पर हुए, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो पेपर लीक हुआ था गाइस 2021 के अंतर्गत, तो आज उस श्रृंखला में सबसे अंतिम सीरीज का जो प्रश्न आएगा आप लोगों के बीच, तो आप इसको लेने के बाद पूरी तरह से पूरी वीडियो को आत्मसात करिएगा, ठीक है। तो आज इसका स्टार्ट करते हैं 2021 का प्रश्न, और ये अंतिम कील में ताबूत साबित होगी। आपको पूरी वीडियो पूरे मनोयोग से देखनी, एक भी वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना, पूरा सीक्वेंस को लेकर आप लोगों को चलना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था बौना का तत्सम बनाना है, ठीक है। अगर आपको तत्सम के अंतर्गत जाना है तो एक बार मैं बताता हूँ आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। संकर को माना नहीं गया, अगर ये देखा जाएगा तो इतने ही माने गए, ठीक है। तत्सम का मतलब होता है तत् मीन्स उसके, सम मीन्स होता है समान, जो गाए जाते हैं संस्कृत से वर्ड उन्हें कहते हैं तत्सम। तद्भव अर्थात जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उन्हें बोलते हैं तद्भव। जैसे आप बोलते हैं दिन, ठीक, हर आदमी दिन बोल सकता है लेकिन हर आदमी दिवस नहीं बोल सकता, इसीलिए संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव होता है। उसके अंतर्गत बात करेंगे देशज। ज का मतलब होता है जन्म लेना, देश का मतलब देश, अर्थात जो वर्ड देश में जन्म लेते हैं उन्हें कहते हैं देशज। जैसे आप जानते हैं जूता, खखरा, खखरा, डाब, डिबिया, ठीक है, ये सब वर्ड जो होंगे देशज के अंतर्गत आएंगे। आप लोगों को विदेशज का मतलब है जो अरबी, फारसी, ये सब वर्ड हो, जैसे आदमी, औरत, ठीक है, मुस्लिम, अल्लाह, ये सब जो हैं अलग अलग। संकर का मतलब होता है जो दो भाषाओं से मिलकर बने उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अगर बौना को देखा जाएगा तो बौना, बौना का जो तत्सम बनेगा वो बनेगा बामन, बामन पुरुष बोला जाता है, आप लोग पढ़े होंगे बामन अवतार, ठीक। धूम के तो किसका पर्यायवाची होता है, तो आकाश का पर्यायवाची देखेंगे नभ, गगन, व्योम, आकाश, ठीक है, ये सब आकाश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अश्व का होता है घोड़ा, हाय, तुरंग, बाज, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। असुर का होता है राक्षस, निशाचर, अर्थात निशा में विचरण करने वाला, अर्थात रात में विचरण करने वाला, ठीक है। उसके बाद धूमकेतु कहते हैं अग्नि, और उसके बाद इसका पर्यायवाची होता आग, वैश्वानल, वैश्वानल, ये सब इसके आग के पर्यायवाची, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप देखना जो पैसेज आया है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको जो देखना है, इसके अंतर्गत जो आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ने के बाद ये ध्यान देना है, ठीक है। पढ़ने के बाद बस ये ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं। आपको मैंने कहा है जब भी पैराग्राफ आए थोड़ी एक मिनट रुकने के बाद आप पहले पैराग्राफ को, प्रश्न को पढ़िए। जब भी आपको प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है तो प्रश्न सबसे पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद पैराग्राफ। उपयुक्त पंक्तियों में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति कौन दे रहा है, अब बस आपको अद्भुत और अतुलनीय देखना, उसके आगे पढ़ना है। अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो इसके आगे आगे लिखा है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति, तो विज्ञान, वी प्लस ज्ञान में टूट कर बनेगा विज्ञान, ठीक है। इसको वी का मतलब होता है जानना, ज्ञान का मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कफन किसकी कहानी है, ठीक है। जो कफन है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके बाद इनकी जो अन्य कहानियां थी, गबन, गोदान, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन, ठीक है, इस तरह की जो कहानियां थी, गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी। और इसके बाद देखेंगे एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की कहानी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक थे इनके, चंद्र शर्मा की आपने पढ़ा था, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी, राजेंद्र प्रसाद यादव की, अभी हाल ही में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी कहानियां राजेंद्र यादव ने लिखी, ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, अब बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। आपको मैंने बताया था कि जब भी एक दूसरे से तुलना, उपमेय को उपमान बताया जाने लगे, अब अच्छा आपको नहीं पता है इसमें, अगर आपको अलंकार नहीं भी पता तो भी उपमा में जहां भी आप देखेंगे सा, सी, से, सरिस, सम जैसे वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद उत्प्रेक्षा में जनु, जनु जानो, मनु मानो, मनु
मानव, जनहु, मनहु, मनहु, इस तरह के वर्ड आएंगे, ठीक है, विरोधाभास में, ठीक है, विरोधाभास के अंतर्गत देखेंगे सम, समझकर, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इस तरह के वर्ड आएंगे, और देखेंगे संदेह अलंकार में, संदेह अलंकार के अंतर, या जैसे आपने पढ़ा होगा संदेह के अंतर्गत सारी बिचनारी है, या सारी की हिनारी है, किनारी की, तो उसमें जो वर्ड आएंगे गाइस संदेह में या वर्ड आते हैं, ठीक है, या अथवा भी आता है, तो इसके अंतर्गत जो गाइस बनेगा तो इसमें बनेगा रूपक अलंकार। अगर आपको अलंकार नहीं पता था तो इन वर्ड की सहायता से भी आप अलंकार को आसानी से पहचान लेते हो। वैसे भी योजक उजक जो जिन्हें जुड़े होते हैं उसमें होता है रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उससे बैठा नहीं जाता, जब भी आपको वाच के अंतर्गत बात करेंगे, वाच के अंतर्गत वाच होते हैं तीन, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। भाववाच की क्रिया हमेशा आकर्मक होती है, ठीक है, उसकी क्रिया सकर्मक नहीं हो सकती। सबसे पहले आप उसे बैठा नहीं जाता, उसे चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, ठीक है, उसे सोया नहीं जाता, इस तरह की क्रिया क्या होती है भाववाच के अंतर्गत। और जितने भी कर्मवाच के अंतर्गत है उसमें वा क्या आएगा के द्वारा जरूर ले, जैसे राम के द्वारा पढ़ा गया, राम के द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा गया गया, तो इसमें कर्मवाच होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत राम धीरे धीरे पढ़ता में कौन सा अव्यय है, ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। धीरे धीरे पढ़ना, तेज तेज पढ़ना, धीरे धीरे चलना, तो ये सब क्रिया की, देखिए संबंध बोधक, कहीं संबंध इस वाक्य में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के अंतर्गत कहीं भी आपको समुच्चय का बोध करा रहा है, विस्मय कहीं भी आपको आश्चर्य का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन आपको क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि राम धीरे धीरे तेज तेज चलता है, तो यहाँ होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जो गाइज होते हैं चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो चार भेद होते हैं, आपको मैं सब बता दे रहा हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से चार होते हैं विकारी, चार होते हैं अविकारी, ठीक है, अविकारी सबसे पहले आता है, विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, फिर आएगा क्रिया, फिर आएगा विशेषण, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत आप देखेंगे क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय या समुच्चय, संबंध बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये सब जो गाइज होते हैं, विस्मय, विस्मय बोधक, ये सब अविकारी होते हैं। इसमें लिंग वचन कारक आदि के बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म ही पूछा जाएगा। और यहाँ से जानिए संज्ञा के पांच भेद भी उत्पत्ति के आधार पर तीन, सर्वनाम के छह भेद, कुल अगर भेद की बात करेंगे 11, क्रिया विशेषण के, क्रिया के दो भेद अकर्मक सकर्मक, ठीक है, विशेषण के चार भेद, रूप के आधार पर विशेषण के तीन भेद होते हैं, मूलावस्था, ठीक है, विशेषण के अंतर्गत मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, ठीक है, क्रिया विशेषण के होते चार भेद, तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक तरह से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। उसके बाद आपको देखना है गंगा हिमालय से निकलती है, कारक के अंतर्गत बात करते हैं, कारक क्या होता है, कारक का जो शाब्दिक, कारक का जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं परसर्ग, हिंदी में कारक जो होते हैं वो होते हैं आठ, लेकिन कभी आपसे पूछा जाएगा किशोरी आचार्य किशोरीदास के अनुसार कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे छः, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कारक के अंतर्गत अपादान कारक जहाँ पे अलगाव का बोध होता है, करण कारक जहाँ साधन साधन का माध्यम का, कर्म जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, जैसे मैंने बताया था जब भी आपको अपादान कारक पहचानना हो तो एक चीज़ स्थिर रहती है उससे दूसरी चीज़ का अलगाव होता है, जैसे आपने लिखा गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय फिक्स है, उससे उसके संबंध में गंगा का निकलना होगा तो वहाँ होगा अपादान कारक, ठीक है। वह खेलता है कौन सी क्रिया होगी, अगर आपको सकर्मक और कर्मक पहचाननी है तो क्या और किससे, क्या और किससे प्रश्न करने पर अगर दोनों से उत्तर मिलने लगे तो होगा सकर्मक। क्या वह खेलता, कौन खेलता, वह खेलता, क्या खेलता, या तो क्रिकेट खेल रहा हो, या तो कुछ करने का काम कर रहा हो, तो गाइज होगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। चम चमात चंचन नयन, बिच घूंघट पर झीन, अमानव सरसित विमल जल, उद्धत युग मीन। तो जन जानो मनु मानो मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंतर्गत जो होगा कौन सा अलंकार होगा, जन जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा, ठीक है, विरोधाभास में आपको सम समझकर जहां बढ़ाएंगे। यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात एक ही अर्थ के दो वर्डों के अलग अलग अर्थ निकले, जैसे वह तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है, कनक कनक के 100 गुनी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ठीक है यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार, लेकिन जो आंसर होगा उत्प्रेक्षा, जन जानो मनुमानो अगर आपके अंतर्गत कहीं भी आ गया तो आप तुरंत उत्प्रेक्षा को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखना है, सूरज का सातवां किसकी
रचना है, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो रचना है धर्मवीर भारती की, मोहन राकेश की, मोहन राकेश को कहा जाता है। अगर मोहन राकेश के अंतर्गत इनकी रचनाओं का बात किया जाएगा तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, अर्थात तो घुमक्कड़ इनकी रचना है, ठीक है। नरेश मेहता को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद इनको मैंने आपको बताया गया था जैनेन्द्र के अंतर्गत, इनकी परख सुनीता, ये सब जैनेन्द्र की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना, व का उच्चारण स्थान, मैं कई क्वेश्चन यहीं पर आपको लिखाने का प्रयास करूंगा, आप सभी लोग इसको लिखने का प्रयास करिएगा। व का जो उच्चारण होता है व को बोला जाता है दंतोष्ट से, ठीक है। लेकिन आप तीन चार पाँच चीज़ों को लिखिएगा, ल को क्या बोलते हैं, हा को क्या बोलते हैं, या र ल व को क्या बोलते हैं, चा छ ज और झ को क्या बोलते हैं, ये जानने की आवश्यकता है। और उसके बाद व को क्या बोलते हैं ये चीज़ जानिए, देखिए, और र को क्या बोलते हैं, इस सब चीज़ों को यहाँ से हो सकता है इस बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे। ला को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं तो अगर हमारे बगल से हवा निकलती है उसका मतलब था पार्श्विक। हा को बोला जाता है बोध वर्ण, ठीक है, बोध वर्ण भी कहा जाता है। इसे स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्वर तंत्रीय व्यंजन, या इसे काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। तो इससे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या रा लावा को अंतस्थ कहते हैं, ठीक है, अंतस्थ कहा जाएगा। अगर अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछेगा चार, अंतस्थ के भेद पूछेगा तीन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श का मतलब होता है अर्थात जो हमारे स्पर्श होते हैं। वा को बोलते हैं दंतोष्ट, दांत और ओष्ठ के बीच से बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दंतोष्ट। रा को बोलते हैं लुंठित, लुंठित या प्रकंपित भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, प्रकंपित भी इसी को बोला जाता है। तो ये पूरी चीज मैंने आपको बता दिया। देखिए मूल वर्ण जो होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, मूल स्वर जो होते होते हैं चार, अ ई उ और री होते हैं मूल, ठीक है। उसके बाद देखना है अग्निका विशेषण, विशेषण के होते चार भेद, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था, विशेषण के जो होता है चार भेद होता है, अग्नि से बनेगा अग्नि, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देते, तेजाब कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा के अंतर्गत मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूंगा। संज्ञा, संज्ञा क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब संज्ञाएं आती। अब व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर की व्यक्ति की जाएगी, जातिवाचक जिस जिन सबका बहुवचन बनाया जा सकते हैं, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको हमने छू सकते हैं, न देख तो सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस केवल महसूस किया जाता है उन्हें भाववाचक। अगर समूहवाचक अर्थात किसी एक चीज को कहने पर पूरा समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को कहते हैं जिन्हें मापा तोला जा सके उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ठीक है। जैसे तेजाब, 1 लीटर तेजाब, 2 लीटर तेजाब, तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। नाव जल में तैरती, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप कौन सा कारक होगा, दो क्वेश्चन कारक से पूछ लिया, ठीक, इसका मतलब थोड़ा सा कारक को आप डेफ्ट में देख लीजिएगा। नाव जल में तैरती अधिकरण का मतलब होता है, अधिकरण के अंतर्गत देखेंगे तो अधिकरण में पर होता है, ठीक है। या यहाँ का है ना जल में तैरती या ना जल पर तैरती, दोनों की बात एक ही होगी, तो अधिकरण में पर का बोध होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, महेंद्र का पर्यायवाची, तो महा अब प्लस इंद्र में टूटकर बनेगा महेंद्र, इधर से बड़ा और इधर से मिलकर ए ई बनेगा, दोनों निर्माण करेंगे ए का बनेगा महेंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं शेर का सवा शेर, ये लोकोक्ति, मैंने बताया था मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, अगर इसमें जितने भी वर्ड आप मिलेंगे मुहावरा के अंतर्गत सबके अंत में ना आएगा, अर्थात शेर का सवा शेर एक से बढ़कर एक, ठीक है, इसे कहते हैं शेर का सवा शेर। खाने की इच्छा जितनी भी इच्छा है उसके अंत में आ आता है, बुभुच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा, ठीक है, मोच रखने की इच्छा मुमुच्छा, लेकिन इच्छुक में छोटा हो की मात्रा आ जाती है, ठीक है, लिप्सा, लिप्त रहने की इच्छा, ठीक है। किंडल गार्टर शिक्षा प्रधारी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो ये जो होते हैं उनको फोबल को माना गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे प्रवर का विलोम, विलोम के अंतर्गत अगर बात करेंगे प्रवर का जो विलोम होगा अवर होगा, अंतिम का होगा प्रथम, ठीक। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, अगर आप शिक्षण के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग करेंगे तो गाइज होगा सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है। सखी पिय को जो मैं नहीं देखूं अ कैसे कादू अंधेरी रतिया, ये किसकी पंक्तियां हैं, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन जानिएगा। सबसे पहले मुकरियां लिखने का अगर किसी को श्रेय जाता है, मुकरियां लिखने का श्रेय जाता है तो अमीर खुसरो के। आधुनिक युग में मुकरियां अगर लिखने का किसी ने काम किया, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए इस बार डेट में, आधुनिक युग में मुकरियां लिखने का काम किया तो भारतेंदु हरिश्चंद ने किया, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुतुबन इनकी रचना थी मृगावती, विद्यापति मैथिल के लेखक थे, इन्होंने कई रचनाएं की थी। और उसके बाद मुल्ला दाऊ डलमई रायबरेली का रहने वाला था, ठीक है।
उसके अंतर्गत जूठन किसकी रचना है? ये जूठन मतलब आप जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा दलित आत्मकथा की तरफ हमको प्रेरित करती है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। सब्ज का बाग दिखाना, सब्ज का मतलब होते हैं आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं, कब की इस बार को मैं ऐसा ही बना ही दूंगा, इस बार अध्यापक को बनाए, बहुत सारे आपको संस्थाएं ऐसा कहती हैं कि आप हमारे एडमिशन लीजिए आपका पक्का सिलेक्शन होगा, लेकिन पक्का सिलेक्शन तब होगा जब अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, ये होता है सब्ज का बाग दिखाना। क्वेश्चन नंबर बताना है, जब एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ अभी, फिर बता रहा हूँ। जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इसको पहले देखना ठीक। अगर आप इससे आप इसके अंतर्गत थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, जितनी भी पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी, पूर्वकालिक का मतलब होता, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब होता समय, अर्थात जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दी जाए तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पिताजी ने बच्चों को पढ़ाकर स्नान किया, पिताजी ने स्नान करके पूजा किया, ठीक है। अगर मैंने लिखा पिताजी ने स्नान करके पूजा किया, ठीक है, तो करके स्नान सबसे पहले जो पिताजी ने काम किया वो स्नान करने का, उसके बाद पूजा करने का काम किया, तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाए। सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे उसे कहते हैं सहायक क्रिया। संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को नाम बोधक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे आप लिखते हैं नाम बोधक क्रियाओं का निर्माण चार प्रकार से किया जा सकता है, संज्ञा से, सर्वनाम से। जैसे लात से लिखा, लात लिखा आपने, ठीक है, लात से बता दिया लतियाना, लतियाना, बात से बतियाना, तो इस तरह की क्रियाएं नाम बोधक या नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। फूले का सकल जगमाही अजनु बरसारित प्रकट बढ़ाई, जनु जानो मन मानो, जहां पर भी बात किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना 26, घर पहाड़ नदी। आप एक चीज मैं बता देना हूँ, जितनी भी जातिवाचक संज्ञा हो सबका सबका जितनी भी दुनिया में आपको मिलेंगी सबका बहुवचन, जैसे घर का घरों, पहाड़ का पहाड़ों, नदी का नदियों, जितनी भी आपको जातिवाचक संज्ञाएं मिलेगी ये किसी किस पुस्तक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको चीजें बता रही, जितनी भी आपको संज्ञाएं मिलेंगी सबका बहुवचन ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इससे बड़ी कोई ट्रिक नहीं है आपके लिए। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर कौन और क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आता है जो और सो, ठीक है, निजवाचक में आता है आप, अनिश्चयवाचक में आता है कोई और कुछ, ठीक है, पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम के अगर भेद पूछा जाएगा तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, 6 होते हैं, ठीक है, और कुल जो सर्वनाम होते हैं कुल होता है, ठीक, इन्हें मूल सर्वनाम भी कहा जाता है। कुल सर्वनामों के या मूल सर्वनाम पूछ सकता, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 लगाएंगे, ठीक है। निगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, ठीक है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस किस प्रकार के शिक्षण में होता? तो निगमन जो होता है नियम जहाँ बनाए जाते हैं वो होता है व्याकरण शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत निगमन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, आपका तत्सम बनाना है, तत्सम के लिए मैंने बताया था आपका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा आत। तो गाइज इस तरह मैंने अपनी पूरी श्रृंखला पूरी की, तो आप लोगों का अब काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने और अपने दोस्तों के बीच फैलाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जय श्री कृष्णा।